देखो यहाँ पे क्या है, बाहर में लिपिड, बाहर में क्या पा जा रहा है अपने पास, है ना, ग्लाइको प्रोटीन्स पा जा रहे हैं, ग्लाइकोलिपिड्स पा जा रहे हैं, तो यहाँ पे कार्बोहाइड हो गए कि नहीं। ऑलिगोसैकेराइड्स की बात करें तो यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड्स जो है वो किसमें, सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन में, मतलब ये टैग का काम करते हैं, सेल टैग है ये, इनको बताने का काम करते हैं। देखो भाई कौन है, देखो अपने पास कारण कैसा होगा यहाँ पे देख लेते हैं। दो तरह के ऑलिगोसैकेराइड ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, ओके, ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन, दैट इज बेस्ट एक्सप्लेन। ओके देखो यहाँ पे सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन में काम आते हैं और कार्बोहाइड्रेट, देखो कैसे एक्साम एक्सका एक्सप्लेनेशन ये है कि देखो अपने पास क्या होता है, सेल रिकॉग्नाइजेशन इन फर्टिलाइजेशन, देखो एग्जाम्पल है सेल रिकॉग्नाइजेशन इन फर्टिलाइजेशन। हमको ये पता कैसे चलेगा कि अपना सेम स्पीसीज का ये अपने पास स्पर्म है कि दूसरे स्पीसीज का नहीं है, तो यहाँ पे बोला कि द स्पर्म एंड रिकॉग्नाइज इच अदर एंड ब्लड एंटीजन, जो अपने पास देखो फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन होता है ना, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट, कहाँ पे क्या होता है जल्दी बात करेंगे, कहाँ पे क्या होता है जल्दी बात करेंगे उसकी भी। ओके तो यहाँ पे इतना ही चलेगा, इसके ज़्यादा लंबा नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा लंबा नहीं चाहिए यार, बिल्कुल सही है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग विटिकर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, तो विटिकर के फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमको क्या बताना है, करेक्ट बताना है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके इट डिफ्रेंशिएट बिटवीन हेटरोट्रॉपिक फंजाई एंड ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट, ये डिफ्रेंशिएट करता है क्या, ये डिफ्रेंशिएट बिटवीन, बिल्कुल सही है, करता है करता है, फंजाई को इसने फंजाई किंगडम किंगडम लगा दिया, किंगडम बना दिया उसमें रख दिया, फंजाई को किंगडम बना दिया और उसमें रख दिया किसको, फंजाई को, अच्छा है। और क्या किया, और क्या किया, और क्या किया, क्लेमाइडोमोनास एंड मॉसेस, ओके माउस नहीं मॉस, क्लेमाइडोमोनास एंड मशरूम, यार मॉसेस क्या बोल रहे हैं, क्लेमाइडोमोनास एंड मशरूम वेयर प्लेस टुगेदर इन एलगी, ना 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 मशरूम तो थे न, मशरूम नहीं थे सर, मशरूम कहाँ से एलगी हो जाएंगे, मशरूम तो एलगी नहीं है ना, इनके पास की सेल वॉल ही नहीं, इसलिए इनको क्या कर दिया, अलग किंगडम, मतलब सेल वॉल में काइटिन है इसलिए इन्होंने क्या किया, अलग किंगडम बना दिया इनके लिए, ठीक है। ओके क्योंकि मशरूम को तो यहाँ ने क्या किया इन्होंने, बिल्कुल फंजाई में रखा है। पैरामीशियम एंड क्लोरेला वेयर प्लेस्ड इन सेम किंगडम, बिल्कुल सही है, पैरामीशियम और क्लोरेला को सेम किंगडम में रख दिया, यहाँ पे आंसर के हिसाब से लास्ट लाइन लिखी है, थोड़ी सी समझनी जरूरी है कि क्या होगा, जल्दी पढ़ेंगे फिर क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है कि अपने पास आंसर लिखा है, द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हेटरोट्रॉपिक ग्रुप फंजाई एंड ऑटोट्रॉपिक ग्रीन एल्गी, सॉरी ग्रीन प्लांट, ऑल दो दे ऑल्सो शोड अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर सेल वॉल कंपोजिशन द फंजाई एंड काइटिन, इसके बाद असली लाइन चालू होती है, इसके बाद असली लाइन चालू होती है, इन देयर वॉल वाइल द ग्रीन प्लांट एंड है, ओके वाइल द ग्रीन प्लांट हैड सेलुलोजिक सेल वॉल, व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक आर कंसिडर्ड द फंजाई वेर प्लेस्ड इन सेपरेट किंगडम, दैट इज किंगडम फंजाई, जब ये देखा गया कि फंजाई के पास जो सेल वॉल है उसमें क्या नहीं है, सेलुलोज नहीं है, उसमें तो काइटिन है, तो उसको क्या किया गया, उसको तो अलग किंगडम में रख दिया गया, माइकोटा में, दैट इज हमने बोला फंजाई में रख दिया गया, तो इसका कारण क्या हो जाएगा, अपने पास सही हो जाएगा, वन एन सी इज करेक्ट। चूज द इनकरेक्ट मैच, हमने को क्या बताना है, इनकरेक्ट इनकरेक्ट बताना है, क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट बताओ जरा। ओके ओके चूज द इनकरेक्ट मैच, फर्स्ट मंथ फॉर्मेशन ऑफ हार्ट बिगिन, नहीं फर्स्ट मंथ में हार्ट का फॉर्मेशन नहीं होता, फर्स्ट मंथ में हार्ट का फॉर्मेशन नहीं होता, ओके बिल्कुल होता है फर्स्ट मंथ में हार्ट का फॉर्मेशन, बिल्कुल होता है फर्स्ट मंथ में हार्ट का फॉर्मेशन, फर्स्ट मंथ में हार्ट का फॉर्मेशन होता है, सेकेंड मंथ में लिम्ब का डेवलपमेंट होता है और थर्ड मंथ में मेजर ऑर्गन बन जाते हैं, बिल्कुल सही है, ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा कौन बोल रही है, एनसीईआरटी बोल रही है, लेकिन 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 हमने बोला सिक्स मंथ में क्या बोला, फर्स्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा, ना सर एनसीईआरटी ने साफ साफ बोला है फिफ्थ मंथ में, फिफ्थ मंथ में क्या देखने को मिलता है, मूवमेंट देखने को मिलता है, फिफ्थ मंथ में फिटस का मूवमेंट देखने को मिलता है, तो हार्ट जो बना आफ्टर वन मंथ प्रेगनेंसी एम्ब्रियो हार्ट इज फॉर्म्ड, एक मंथ के बाद क्या बना, एम्ब्रियो का हार्ट बना, ओके द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फिटस मे बी नोटिस बाय लिसनिंग द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रो स्टेथोस्कोप, यस पहले मंथ तक ही हो गया, इसका तरीका होना चाहिए अपने पास याद करने का, क्वेश्चन हर बार आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, सेकंड मंथ डेवलपमेंट, ओके सेकंड मंथ में क्या होगा, डेवलपमेंट होगा लिम्ब एंड डिजिट का, बिल्कुल सी है, एनसीईआरटी ने बोला कि सेकंड मंथ में क्या हो गया, सेकंड मंथ में बोला प्रेगनेंसी में क्या हो गया, सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी फिटस डेवलप लिम्ब्स एंड डिजिट, सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी तक फिटस के लिम्ब्स डेवलप हो गए, डिजिट डेवलप हो गए, बाय द एंड ऑफ 12 वीक, ओके बाय द एंड ऑफ 12 वीक दैट इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेजर ऑर्गन बन जाएंगे, मतलब थ्री मंथ तक क्या हो जाएंगे, मेजर ऑर्गन बन जाएंगे,
उसके बाद हमने बोला, फोर्थ मंथ की बात नहीं की, सीधा फिफ्थ मंथ की बात की। हमने बोला द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड अपेरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड। फर्स्ट मूवमेंट के साथ साथ हेयर कहाँ पे, हेड में। फर्स्ट मूवमेंट के साथ साथ हेयर कहाँ पे, हेड में। फर्स्ट मूवमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ हेयर ऑन द हेड इज सीन इन फिफ्थ मंथ। कहाँ पे देखने को मिलेगा, फिफ्थ मंथ में देखने को मिलेगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा, फिफ्थ मंथ में, हो गया। और सिक्स मंथ में फर्स्ट मूवमेंट बोल रहा है यार, सिक्स मंथ में नहीं, फिफ्थ मंथ है, गलत हो जाएगा ये वाला। देखो तरीका क्या है कि अपने पास, देखो ये लाइनों को नहीं है, लाइनों से ऐसी याद नहीं होती। पहला मंथ फॉर हार्ट लिख लेंगे ऐसे, फर्स्ट मंथ हार्ट, सेकंड मंथ लिम्ब एंड डिजिट, थर्ड मंथ मेजर ऑर्गन, फिफ्थ मंथ मूवमेंट, सिक्स मंथ हेयर आईलिड सेपरेट। पूरी लाइनें पढ़ेंगे तो गोल हो जाएंगे, इसीलिए फर्स्ट में क्या हो जाएगा, फर्स्ट मंथ हार्ट बोल देंगे, सेकंड मंथ लिम्ब एंड डिजिट बोल देंगे, थर्ड मंथ मेजर ऑर्गन बोल देंगे, फोर्थ मंथ नहीं होता, फिफ्थ मंथ होता, सीधा मूवमेंट बोल देखने को मिलेगा, सिक्स मंथ में क्या, आईलिड सेपरेट हो जाएंगे। ओके हियर एंड आईलिड, यहाँ पे एक समझ लेने का कि फाइन हेयर बोला तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, कौन सा मंथ हो जाएगा, सिक्स मंथ। फाइन हेयर बोला ना तो सिक्स मंथ, और अगर बोला हेयर ऑन द हेड, याद रखने का दो चीज़ है कि हेयर द हेड बोला, अगर हेयर हेड पे तो वो फिफ्थ मंथ में आ रहा है, लेकिन पहले तो सिर में पहले हेयर आते हैं ना, सिर पे पहले हेयर आएंगे, ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए सिर को, इसीलिए तो हेयर पहले आएगा सिर हेड पे, तो फिफ्थ मंथ बोला तो हेड ऑन हेयर। एंड अगर हेयर ऑन द बॉडी बोला या फिर है ना, बिल्कुल बिल्कुल फाइन हेयर ऑन द बॉडी तो हमने बोला तो वो क्या हो जाएगा, सिक्स मंथ हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे फाइटोफेगस आर, जो कि प्लांट सेप में खाते हैं, ओके द इनसेट दैट फीड ऑन प्लांट सेप, ऐसे मैं ही बोल रहा हूँ, बोल रहे कि जो फाइटोफेगस होते हैं, ओके फाइटोफेगस, नियरली 25% ऑफ ऑल इंसेक्ट आर फाइटोफेगस, मीन्स दे आर फीडिंग ऑन प्लांट सेप। जो कि प्लांट सेप को खाते हैं उनको हम फाइटोफेगस कहते हैं, और इनके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि 25% जो टोटल इंसेक्ट हैं वो क्या है, फाइटोफेगस, जो कि प्लांट सेप को खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट सेप पे डिपेंड रहते हैं। द हार्मोन दैट एक्ट विथ अदर हार्मोन टू इनिशिएट सिक्रीशन ऑफ मिल्क बाय मेमोरी ग्लैंड इज, तो लैक्टोट्रॉफिन जो होता है, प्रोलैक्टिन जो होता है, दोनों एक ही चीज़ है। देखिए एक ही आदमी के दो नाम है, ये एक ही आदमी के दो नाम है, कौन कौन से, लैक्टोटुम, आप इसको प्रोलैक्टिन को आप लैक्टोट्रॉफिन भी बोल सकते हो, प्रोलैक्टिन भी बोल सकते हो, लैक्टोजेनिक भी बोल सकते हो, और मेमोट्रॉफिक हार्मोन भी बोल सकते हो। ये सारे एक ही आदमी के चार चार नाम, शक्तिमान के चार चार होते हैं ना, चार चार नाम, मैंने बोला क्या क्या था, बहुत सारा नाम था ना, पंडित विद्याधर मायाधर ओमकारनाथ शास्त्री, जैसे बहुत सारे नाम, इसके भी बहुत सारे नाम हैं। पीआरएल बोलते हैं प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर, ओके बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ओके। तो क्या क्या नाम था, मैं तो भूल गया है ना, तो यहाँ सब भूल चुके हैं। अच्छा तो बिल्कुल लैक्टोट्रॉफिन हो गया, प्रोलैक्टिन क्या करता है, ये जाता है और क्या करता है, ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन कराता है। यार देखो इसको मैंने बोला मिल्क इजेक्शन हार्मोन, किसको बोलते हैं, मिल्क लेट डाउन हार्मोन, इजेक्शन ही बोलेंगे, इजेक्शन कराता है, लेकिन हमने बोला तो मिल्क लेट डाउन हार्मोन किसको बोलेंगे, मिल्क लेट डाउन हार्मोन बोलेंगे ऑक्सीटोसिन को। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन कंट्रैक्ट द मायोपिथेलियल सेल, ये मायोपिथेलियल सेल को कंट्रैक्ट करता है, ओके, प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड ऑफ द एल्वियोलाई ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, और इससे क्या करेगा, मिल्क का इजेक्शन कराएगा, मिल्क इजेक्शन कौन कराएगा, ऑक्सीटोसिन कराएगा मिल्क का इजेक्शन। तो प्रोलैक्टिन की बात इसलिए आई कि प्रोलैक्टिन बोलेगा ऑक्सीटोसिन को, अरे भाई ऑक्सीटोसिन जाया थोड़ा क्या कर, मायोपिथेलियम को सेल को कंट्रैक्ट कर, जब मायोपिथेलियम सेल कंट्रैक्ट करेंगे तभी तो क्या निकलेगा, मिल्क निकलेगा। तो मिल्क को इनडायरेक्टली मैंने एक हार्मोन दूसरे हार्मोन को बोल रहा है, तो यही तो पूछा है हमसे, ये हो जाएगा दोनों ए एंड बी। सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट इन द, ओके द सेंट्रोमियर इज दैट पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम वेयर द टू क्रोमेटिड आर अटैच, जो सिस्टर क्रोमेटिड है दोनों अटैच होंगे, कहाँ पे, सेंट्रोमियर पे दोनों अटैच होते हैं, सेंट्रोमियर होल्ड्स द टू क्रोमेटिड ऑफ द क्रोमोसोम, ओके। तो यहाँ पे एनसीईआरटी का ये वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम लगा हुआ है, यहाँ पे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, ये क्या है, सब मेटासेंट्रिक है, और यहाँ पे क्या है, एक्रोसेंट्रिक है, यहाँ पे एटीरोसेंट्रिक है, तो यहाँ एक ही चीज़ हमको पढ़नी है, सब मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। हमने बोला सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा, स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल, जो सेंट्रोमियर होगा स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल, देखते ही सब मेटासेंट्रिक, ओके एंड वन शॉर्ट, ओके वन वेरी शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग बोला तो अपने पास क्या हो जाएगा, एक्रोसेंट्रिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें छोटी सेक और बहुत बड़ी सेक मिलेगी, क्या आम आम भाई, इनका शेप भी इंपॉर्टेंट है यार, शेप भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेटासेंट्रिक कैसा होता है, वी शेप्ड, मेटासेंट्रिक कैसा होता है, वी शेप्ड, सब मेटासेंट्रिक होता है एल शेप्ड, एक्रोसेंट्रिक होता है जे शेप्ड, कैसा होता है, जे शेप, और टेलोसेंट्रिक होता है आई शेप्ड। तो यहाँ पे ये एल हो जाएगा, सब सिंपल सी बात है, सब मेटा,
साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ द नॉर्मल, देखो इनसेटिक लाइन है सब साइक्लिक, ओके साइक्लिक कहाँ गया, चालू यहाँ चालू। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज, इट इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज, किसका इंडिकेटर है, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज का इंडिकेटर है। तो यहाँ पे आंसर पहला में नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज आएगा, विच एक्सटेंड फ्रॉम मेनार्क दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ ओके मेंस्ट्रुएशन एंड टू मेनोपॉज दैट इज द एंड ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ओके दैट इज मेनली होता है 50 साल तक, ओके 50 साल में हो जाता है। तो यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, मेनार्क से मेनोपॉज तक, मेनार्क से मेनोपॉज। जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस इन ओके जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस इन मैन इज लोकेटेड इन जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस इन मैन इज लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम, यार हमेशा तो ये एक्स लिंक रिसेसिव है, ये एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है कलर ब्लाइंडनेस, तो यहाँ पे एक्स लिंक तो एक्स क्रोमोसोम में होगा ना, तो एक्स क्रोमोसोम में भी होगा। और यहाँ पे ये मेल में ज़्यादा होता है कि 8% मेल में देखने को मिलेगा कलर ब्लाइंडनेस और 0.4% फीमेल में, मतलब फीमेल में रेयर है, ये दोनों होना चाहिए अगर हमको कलर ब्लाइंड में फीमेल चाहिए तो, लेकिन मेल में तो एक ही मिल गया तो क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंड हो जाएगा, इसीलिए तो मेल में ज़्यादा देखने को मिलता है। विच द फॉलोइंग इज अ हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, तो बायोप्सी कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए हमने बोला कैंसर डिटेक्शन जो डिटेक्शन है उसमें अपने पास बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज ही है। बायोप्सी क्या है, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज ही है, मतलब टिशू का एग्जामिन करते हैं, क्या करते हैं टिशू का एग्जामिन, एक टिशू काट के निकालते हैं जो ट्यूमर हुआ है जहाँ पे, उस टिशू को काट के निकालते हैं, उसको एग्जामिनेशन करते हैं, है ना, उसको क्या करें उसको एग्जामिनेशन करेंगे, तो ये हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी ही तो है, हिस्टो मीन्स टिशू, पैथोलॉजिकल स्टडी, बिल्कुल सही है। बैक्टीरिया प्रोटेक्ट themselves from virus by fragmenting viral DNA into, बिल्कुल ओके वायरल DNA with not into, देखो यहाँ पे क्या है, ये दो बार आ चुका है इसी पेपर में। टू एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया फेज इन एशिया कोलाई वेर आइसोलेटेड वन ऑफ देम एड मिथाइल ग्रुप, एक तो क्या करेगा मिथाइल ग्रुप ऐड करेगा और दूसरा क्या करेगा कट करके DNA को, हमने बोला दूसरे वाले को बोला लेटर वाले को, दूसरे वाले को बोला रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस, जो कि क्या करेगा उसको तोड़ देगा, उसको ग्रो करने नहीं देगा बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया फेज को ग्रो नहीं करने देगा। विच द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमको क्या पूछा है, विच द फॉलोइंग ओके विच ओके विच द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, विच द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बिनाइन ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर के लिए इनमें से कौन सा क्या है इनकरेक्ट है, तो बिनाइन ट्यूमर पहले तो बिनाइन देख लेते हैं, यार बिनाइन मतलब ये फीबल है, ये धीमा है, ये देखो यहाँ पे फीबल बोला है मतलब बिनाइन फीबल, ओके है ना, तो बिनाइन ट्यूमर नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड, ये मूव नहीं करता, ये कन्फाइंड होता है जहाँ पे चला जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, एंड देयर ओरिजिनल लोकेशन एंड डू नॉट स्प्रेड, बिल्कुल वही कन्फाइंड मतलब स्प्रेड नहीं करता, लिटिल डैमेज करता है, तो रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन, बिल्कुल सही है, दे डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट, बिल्कुल सही है, एंड देयर लिटिल डैमेज, बिल्कुल सही है, दे ग्रो वेरी रैपिडली, बिल्कुल गलत है, यहाँ पे तो मेटाजेनेसिस नहीं देखने को मिलता, मेटाजेनेसिस की बात नहीं होती, यहाँ मेटास्टेसिस की बात होती है। तो मेटास्टेसिस तो हमने बोला ये इज द मोस्ट फियर प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर, जो कि कौन सा करेगा, ओके हमने बोला मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, अब मैलिग्नेंट वर्ड आते हैं हमारे दिमाग में, आखिरी चीज आती है मैलिग्नेंट मलेरिया, कौन कस करता है, मैंने बोला यार प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, तो ये हो गया अपने पास, चलो ओके। इन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट द प्रमोटर इज लोकेटेड टूवर्ड, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में बात रखना है अपने पास, कि देखो ये 5 डैश कोडिंग के 5 डैश में क्या पाया जाएगा, कोडिंग की 5 डैश में क्या पाया जाएगा, प्रमोटर पाया जाएगा। अब स्ट्रीम में देखो एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है जो कि यहाँ से क्वेश्चन आ चुका ये वाला, कि अपने पास देखो यहाँ बोला गया है 5 डैश इंड दैट इज अप स्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन के अप स्ट्रीम में क्या पाया जाता है, अपने पास प्रमोटर पाया जाता है, और 5 डैश इंड किसके, कोडिंग के 5 डैश इंड में प्रमोटर पाया जाएगा, और 5 डैश इंड ओके दैट इज अपस्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन की 5 डैश और देखो यहाँ पे बोला है द रेफरेंस इज मेड विथ रेस्पेक्ट टू कोडिंग, हमेशा हम किसके रेस्पेक्ट में कोडिंग की बात करें, कोडिंग के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, कोडिंग के रेस्पेक्ट में स्ट्रक्चरल जीन के 5 डैश में क्या पाया जाएगा, हमने बोला प्रमोटर पाया जाएगा। तो देखो यहाँ पे दिखा 5 डैश, दो यार दो सेम ऑप्शन है यहाँ पे, तो पहला और ऑप्शन तीसरा ऑप्शन तो क्या है सेम है, तो यहाँ पे कुछ भी टिक करना पड़ेगा, टिक तो करना पड़ेगा, छोड़ दे सकते नहीं, तो कुछ भी टिक कर लेते हैं, क्योंकि सही दोनों होगा, सुनो ए और सी दोनों होगा सही, अगर करेक्शन आया तो ए और सी दोनों सही होगा। एमिनो एसिड कोडेड बाय 3 कोडॉन इज, तो ऐसा कौन सा एमिनो एसिड है जो कि 3 कोडॉन कोड करते हैं, तो यहाँ पे हमने बोला कि पहला जो अपनी पहले की जो अपने पास है, पहले में अपने पीले इसमें वनीला फ्लेवर, पीले इसमें वनीला फ्लेवर,
तो पी से फिनाइल एलानिन हो गया, और ल्यूसीन जो कि 6-6 कोडाउन जिसको कोट करते हैं, तो यहाँ पे बस 3 ही है अपने पास पूरे पूरे कोडाउन में जिनको कौन कोट करता है, 4-6 अमीनो एसिड कोट करते हैं, 6 कोडाउन कोट करते हैं ऐसे अमीनो एसिड 3 ही अपने पास, जैसे कि हो गया ल्यूसीन, और एक हो गया आर्जिनिन, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, और एक हो गया सीरीन। ये सीरीन आर्जिनिन और सीरीन आर्जिनिन और ल्यूसिन, बस 3 ऐसे अमीनो एसिड जो 6-6 कोडन कोड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने देखा ये आइसोल्यूसिन ही है, आइसोल्यूसिन इसको 6-6 अमीनो एसिड क्या करते हैं, सॉरी 3 कोडन कोड करते हैं, आइसोल्यूसिन को 3 कोडन कोड करते हैं बिल्कुल। तो प्रोलिन अपने पास क्या होगा, प्रोलिन को तो 4 कोड कर रहे हैं यहाँ पे, प्रोलिन को तो क्या कर रहे हैं 4 कोड कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद एसपी था दैट इज सीरीन प्रोलिन थीरियोनिन एंड एसे एलानिन, एसपी था। ओके तो ये बिल्कुल हो जाएगा अपने पास, क्या पूछा यार, क्या पूछा है पहले तो समझ, ये नहीं होगा ना क्योंकि अपने पास तीन कोडन किसके हैं, अपने पास आइसोल्यूसिन के हैं, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ट्रिप्टोफैन के तो अपने पास सिर्फ UGG एक ही कोडन है इसके लिए, तो मिथ्यूनिन और AUG के लिए सिर्फ मतलब मिथ्यूनिन के लिए और ट्रिप्टोफैन के सिर्फ एक ही कोडन पाए जाते हैं, मिथ्यूनिन के लिए AUG और ट्रिप्टोफैन के लिए UGG। ओके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अपने पास सही हो जाएगा क्या, नहीं होगा आंसर, ये अपने पास एक ही कोडन इसके लिए, तो सीन के लिए बात हुई सीन के लिए 6-6 पाए जाते हैं कोडन अपने पास, तो आंसर भी हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा। बैक्टीरिया दैट कज निमोनिया आर, ऐसे बैक्टीरिया जो निमोनिया कस करते हैं वो कौन से हैं, तो चार ने बोला है निमोकोकस, ओके निमोकोकस नहीं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, इन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो होते हैं वो क्या कस करते हैं, ये कस करते हैं अपने पास निमोनिया, ये वर्ड है बिल्कुल, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है ये, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ही है। इफ़ अ प्लांट विद जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल बी इज सेल्फ फर्टिलाइज, मतलब हमने क्या कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल बी यार क्या है कैपिटल स्मॉल ऐसे नहीं है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी ओके ओके इज सेल्फ फर्टिलाइज, मतलब ऐसे क्रॉस करा दिया ऐसे ऐसे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस, ये हो जाएगा अपने पास प्रोबेबिलिटी, होमोजाइगस के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/4, और ये भी होमोजाइगस तो 1/4 दैट इज प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/16, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/16 हो जाएगी दोनों के लिए, हमेशा अगर हेटरोजाइगस होता है हेटरोजाइगस के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है अपने पास है ना 2/4, और होमोजाइगस के लिए प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कितनी होती है 1/4, तो यहाँ पे 1/16 आंसर जाएगा। द लिवर स्टॉक सॉरी द लाइफ स्टॉक नॉट लिवर स्टॉक द लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन इन इंडिया इज ओके चाइना एंड चाइना होना चाहिए यहाँ पे ओके द लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन इन इंडिया एंड चाइना इज, तो यहाँ पे पूछा गया यहाँ पे बोला गया एंसर ने कि इट इज एस्टिमेटेड दैट मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इज इन इंडिया एंड चाइना। हाउएवर इसके बाद हालांकि सरप्राइजिंगली टू नोट दैट द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड फार्म प्रोडक्शन इज ओनली 25%, मतलब 70% अपने पास पॉपुलेशन है लाइफ स्टॉक की, फिर भी वो 25% ही क्या दे रहे हैं प्रोडक्टिविटी, मतलब ये समझ आता है कि भाई बहुत ही प्रॉब्लम है कि अपने पास क्या नहीं है, कन्वेंशनल तरीके ही इस्तेमाल कर रहे हैं लोग इंडिया और चाइना वाले बिल्कुल। द डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सीटू कंजर्वेशन टेक्निक, तो अपने पास जो एक्सीटू बोला ना, तो ये सेक्रेट ग्रुप जो होते हैं वो इंस्टीट्यू होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंस्टीट्यू होते हैं, सीड बैंक एक्सीटू होते हैं, वायस रिजर्व ये इंस्टीट्यू होते हैं जहाँ पे ह्यूमंस आर द इंटीग्रल पार्ट। ओके तो यहाँ पे एक्सीटू में एनसीईआरटी ने बोला क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक भी इस्तेमाल किए थे, सीड बैंक इस्तेमाल किए थे, सीड बैंक में अपने पास सीड ऑफ डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंस प्लांट कमर्शियल इंपॉर्टेंट प्लांट कैन बी कैप्ट ओके फॉर लॉन्ग पीरियड, बिल्कुल ये सीड हो गया बिल्कुल सही है। जेनरेटिव सेल न्यू सेल है सेंटीपोडल सिनास्टिग्मा एम्ब्रियो एंडोस्पर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस मेगास्पोर हाफ मेन यार हैप्लॉइड, तो हमने बोला जेनरेटिव सेल हैप्लॉइड होगा, न्यू सेल डिप्लॉइड होगा, सेंटीपोडल हैप्लॉइड होगा, स्टिग्मा डिप्लॉइड होगा, ओके एम्ब्रियो डिप्लॉइड होगा, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होगा, और अपने पास सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉइड होगा, और अपने पास मेगास्पोर हैप्लॉइड होगी, तो एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, तीन अपने पास हैप्लॉइड हैं यहाँ पे। डायकैरियोटिक स्टेज इज अब्सॉर्बिंग, तो डायकैरियोटिक स्टेज कहाँ पाया जाता है, ऐश्वर्या बच्चन के अंदर ए बी ऐश्वर्या बच्चन के अंदर क्या पाया जाएगा डायकैरियोटिक स्टेज, एस्कोमायसिटिस और बेसिडोमायसिटिस के अंदर, एस्कोमायसिटिस और बेसिडोमायसिटिस में क्या पाया जाएगा डायकैरियोटिक फेज पाया जाएगा, ओके इंटरवेनल फेज है जहाँ पे अपने पास जो डायकैरियोटिक फेज में जो कंडीशन है उसको एन प्लस एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमको इम्पोर्टेंट ये कि जो मॉर्फोलॉजी है माइसिलियम और मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडी की बेसिस में हम किसको क्लासीफाई करते हैं फंजाई को,
तो ये भी मैं यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, बेसिडोमाइसिस का दिया है यहाँ पे। और प्रोलॉन्ग अगर वो बोलता है प्रोलॉन्ग डाइक्रेटिक फेज इज फाउंड इन, तो भी बेसिडोमाइसिस जाता आंसर। एस्कोमाइसिटिस ऑप्शन में भी होता तो बेसिडोमाइसिटिस जाएगा आंसर, अगर प्रोलॉन्ग डाइक्रेटिक फेज बोला तो। द एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर टुक प्लेस बिफोर द ओरिजिन ऑफ सीविड्स। ने सीविड्स कब आए थे, सीविड्स कब आए थे, सीविड्स आए थे 320 बिलियन ईयर एगो, 320 बिलियन नहीं मिलियन ईयर एगो सीविड्स का ओरिजिनेशन हुआ था। और बिफोर द ओरिजिन ऑफ फर्स्ट एम्फीबियन, फर्स्ट एम्फीबियन भी कहाँ कब आए थे, 350 की 320। ओके ओके बिल्कुल सही, ये देख लेंगे बाद में। देखो यहाँ पे एंसेंट ने बोला है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, जॉलेस फिश कब आए थे, ये सब इंपॉर्टेंट है। जॉब में जे आ रहा है ऐसे लिखता हूँ मैं, जे और पाँच लिखता हूँ ऐसे, तो जॉलेस फिश 350 आएगा, 320 नहीं आएगा, 350 आएगा जॉलेस फिश में 350 मिलियन ईयर एगो। ओके, और सी वीड्स एंड फ्यू प्लांट्स, सी वीड्स और प्लांट्स कब आए थे, दे अराउंड 320 मिलियन ईयर एगो। सी वीड्स एंड फ्यू प्लांट्स ओरिजिनेटेड प्रोबेबली और एग्जिस्टेड प्रोबेबली 320 बिलियन ईयर एगो, ना 320 मिलियन ईयर एगो। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेड लैंड वेयर प्लांट, ओके बिल्कुल सही, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जिसने लैंड पे इन्वेड किया वो क्या थे, प्लांट थे। ओके अपने पास फिर क्या है, एम्फीबियन। ओके द लोफिन इवॉल्व इन टू एम्फीबियन, यहाँ पे इधर साइड दिया हुआ, इधर साइड नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या है, जो लोफिन थे वो किसमें इवॉल्व हुए थे, एम्फीबियन में, अबाउट 200 मिलियन ईयर एगो। यहाँ पे क्या है, 200 मिलियन ईयर एगो अपने पास एम्फीबियन डेवलप हुए थे, तो यहाँ पे आंसर ये भी नहीं होगा। ये एक्सटिंक्शन जो डायनासोर का हुआ कब हुआ, 65 मिलियन ईयर एगो, 65। ओके तो 65 मिलियन ईयर एगो, दैट इज हमने बोला यहाँ पे क्या होगा, डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए लेट क्रिटेशियस पीरियड में एक्सटिंक्ट हो गए, तो इसका कारण बताना है अपने को। व्हेन द राइज ऑफ मॉडर्न फिश बर्ड्स एंड प्लासेंटल मैमल वेयर सीन, यस देखो आपने तो ओरिजिनल टोटल ये नहीं होगा, उसके बाद हुआ था ये। तो यहाँ पे आंसर जाएगा अपने पास ये सी, कैसे, देखो जब भी अपने पास राइस ऑफ मॉडर्न फिश बोट्स एंड है ना, जुरासिक पीरियड में ही तो आर्कियोपटेरेंस देखने को मिला था, बिल्कुल ये तो मानते हैं, बिल्कुल जुरासिक पीरियड में आर्कियोपटेरेंस देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, अपने पास एक बात है, तो जुरासिक पीरियड जिसको हम बोलते हैं एज, गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स, तो यहाँ पे रेप्टाइल्स देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे टू मार्सुपियस देखने को मिल गए थे। मार्सुपियस मतलब पाउच्ड मैमल्स, तो मार्सुपियस का ओरिजिनेट हो गया था प्लासेंटल मैमल्स मतलब ना। ओके तो यहाँ पे मार्सुपियस तो हो गए थे प्लासेंटल में, तो बाद में ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया अपने पास, मार्सुपियस जो थे उनका ओरिजिन तो जुरासिक पीरियड में ही हो गया था। ओके और रुको रुको रुको, मार्सुपियल नहीं बोला है, मार्सुपियस नहीं बोला, मार्सुपियल टूथ बर्ड्स है ना, मार्सुपियल टूथ बर्ड्स मतलब आर्कियोपटेरेंस की बात कर रहा है यार, है ना, थोड़ा गलती होगी यहाँ पे, मैमल्स के स्टार्ट हो गया समझ लिया, हम ऐसे मान सकते हैं कि मैमल्स की प्रिमेटिव मैमल्स यहाँ पे स्टार्ट हो चुके। देखो प्रिमेटिव मैमल्स मतलब एग लेइंग मैमल्स है ना, मार्सुपियस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे कॉमा आएगा, यहाँ पे कॉमा आएगा ना, बिल्कुल सही बोल रहे थे, बिल्कुल सही बोल रहे थे, ये मार्सुपियस होगा, मार्सुपियस मतलब हमने बोला मार्सुपियस मतलब प्रोटोथीरियंस की बात करेंगे, प्रोटोथीरियंस हमारे पास प्रिमेटिव मैमल्स थे है ना, प्रोटोथीरियंस मतलब एग लेइंग मैमल्स, तो उनकी ओरिजिनेशन कहाँ पे हो गया था, ट्रायसिक पीरियड में, उनका ओरिजिन ट्रायसिक पीरियड में ही चालू हो गया था, तो बिल्कुल सही है। और एक्सटिंक्शन हो गया था प्रिमिटिव एम्फीबियन का, बिल्कुल यहाँ पे टूथ पीक्ड बर्ड मतलब हम बोलते हैं ना टूथेड बर्ड मतलब हमने बोला आर्कियोप्टेरिक्स। ओके और डायनासोर बिकम लार्ज, बिल्कुल सही है, एक्सटिंक्शन डायनासोर हो गया था क्रिटेशियस पीरियड में, लेट क्रिटेशियस पीरियड में। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अपने पास देखो, अगर क्रिटेशियस में सबको याद आता है, लेकिन हमें मीजोजोइक एरा में मीजोजोइक एरा में एक्सटिंक्ट हो गए मीजोजोइक एरा जिसको हम बोलते हैं। ओके बिल्कुल 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 एज ऑफ रेप्टाइल्स बोल देते हैं इसको, एज ऑफ रेप्टाइल्स बोल देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि सीनोजोइक एरा को हम बोलते हैं एज ऑफ मैमल्स, मीजोजोइक एरा का बोलते हैं एज ऑफ रेप्टाइल्स, और पेलियोजोइक एरा का बोलते हैं एज ऑफ एशियंट लाइफ, और एजोइक एरा का बोलते हैं कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लाइफ। और इसमें मीजोजोइक एरा में कौन कौन से फेज थे, ट्रायसिक जुरासिक एंड क्रिटेशियस पीरियड थे, पीरियड। और पेलियोजोइक एरा में अपने पास पीरियड थे कार्बोनीफेरस पीरियड, ओडोविशियन पीरियड, सिल्यूरियन पीरियड, डिवोनियन पीरियड एंड कार्बोनीफेरस। नीचे में सबसे नीचे में कार्बोनीफेरस नहीं है, कैम्ब्रियन है, कैम्ब्रियन पीरियड है ये। ओके यहाँ पे फिर बात करेंगे क्वेश्चन की, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट एरा,
तो प्री कैम्ब्रियन है सबसे अर्लीस्ट है इसमें से, सीनोसोइक तो मैंने बोला एज ऑफ मैमल्स, और मेजोजोइक बोले तो नहीं है, एरा नहीं है। तो पेलियोजोइक, पेलियोजोइक क्या है, पेलियोजोइक क्या है, पेलियोजोइक क्या है, मीसोजोइक आपने पास एरा कैसे नहीं है, मीसोजोइक एरा यार बिल्कुल एरा है, कौन सा एरा है आपने, हमने बोला मीसोजोइक में क्या पाया था, देखो बात की अभी बात की, मीसोजोइक में क्या पाया था हमने, बस एज ऑफ रेप्टाइल्स है मीसोजोइक एरा, मीसोजोइक एरा क्या है, एज ऑफ रेप्टाइल्स हमने बोला एम आर से, याद रखेंगे एम आर से, मिस्टर होता है ना एम आर, मिस्टर से याद रखेंगे हमने पास एम आर से, मतलब एम एम से आर मिलाओ आंसर पाओ, मतलब ये हमने पास मीसोजोइक एरा जो है वहाँ पे रेप्टाइल्स पाए जाएंगे, बिल्कुल पाए जाएंगे। तो अपने पास अर्लीस्ट एरा जो है वो क्या है, प्री कैम्बियन, कैम्बियन के पहले आ रहे सीजन में क्या बोला, प्री कैम्बियन, ये अपने पास पेलियोजोइक एरा हो गया है ना, एज ऑफ फिशेस इसको हम बोलते हैं, एज ऑफ फिशेस, फिशेस एशियन टाइम मतलब फिश भी बोल सकते हैं, एज ऑफ फिश बोलते हैं पेलियोजोइक एरा को, ये कैम्बियन पीरियड है, कैम्बियन के पहले आए इसलिए प्री कैम्बियन पीरियड बोल देते हैं, प्री कैम्बियन पीरियड सबसे अर्लीस्ट था। उसके बाद एम्फीबियन वे डोमिनेंट इन कार्बोनिफेरस पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड जो कि अपने पास किसका, कौन से एरा का बिलोंग करता है, कार्बोनिफेरस जो अपने पास है ना पेलियोजोइक एरा से बिलोंग करता है ना, इसमें कार्बोनिफेरस पीरियड में अपने पास जो एम्फीबियंस होंगे वो क्या होंगे, डोमिनेंट होंगे, कार्बोनिफेरस पीरियड में किसके, पेलियोजोइक एरा के, कौन डोमिनेंट थे, एम्फीबियंस डोमिनेंट थे। और भी बात करते हैं उन्हें पास क्या बोला गया है यहाँ पे, बिल्कुल ओरिजिन ऑफ फर्स्ट टूथेड बर्ड एंड जिम्नोस्पर्म टुक प्लेस ड्यूरिंग, तो फर्स्ट टूथेड बर्ड मतलब आर्कियोप्टेरिस का जो ओरिजिन हुआ था वो जुरासिक पीरियड के दौरान हुआ था क्या, बिल्कुल हुआ था। ओके उसके बाद फर्स्ट मैमल अपीयर्ड इन, पहली बार मैमल ट्राइसिक पीरियड में अपीयर हुआ था कि नहीं, ठंडो बाद प्रिमिटिव मर्स है ना, सॉरी प्रिमिटिव मैमल्स की बात की थी, प्रिमिटिव मैमल्स की बात की थी, अभी भी जो पूछा गया यहाँ पे कि देखो एक्सटिंक्शन जाना शुरू कब हुआ था, क्रिटेशियस पीरियड में और जुरासिक पीरियड में, अगर प्रिमिटिव मैमल्स आ चुके थे तो मतलब जुरासिक आएगा उसमें प्रिमिटिव मैमल्स होंगे, और हमने बोला जो क्रिटेशियस होगा उसमें तो मैमल्स होंगे ही होंगे ना, बिल्कुल सही, इसलिए तो हमने बोला कब इनका एक्सटिंक्शन हुआ, व्हेन द राइज ऑफ मॉडर्न फिश बर्ड्स एंड प्लासेंटल मैमल वेयर सीन, जब उनका राइज हो रहा था, जब उनका प्रोडक्शन मतलब मैंने बोला उनकी जब डेवलपमेंट हो रही थी तभी क्या हुआ, एक्सटिंक्शन हो गया डायनासोर का। ओके ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन इवॉल्व इन, तो मैन ने पीलियोसिन एरा में बहुत तेजी से ग्रो किया, पीलियोसिन हमारे पास इपॉक है, कोई एरा नहीं है, पीलियोसिन एरा नहीं है, इपॉक है, कौन सा क्रिटे हमने बोला सीनोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा का अपने पास इपॉक है कौन सा। ओके ना इसमें भी एरा हमने इपॉक में भी हमने बोला दो पीरियड है, टर्सी क्वार्टर नहीं थे, बिल्कुल दो पीरियड है उसमें बस। ओके तो पीलियोसिन अपने पास इपोक है, पीलियोसिन इपोक में मैन इवॉल्व किए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीलियोसिन में कौन इवॉल्व किए, मैन इवॉल्व किए। उसके बाद कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का, एनिलिडा और मोलस्का के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है वो न्यूप्लाइना है ना, जो कि एक न्यूप्लाइना का मतलब मोलस्का का मेंबर है न्यूप्लाइना, तो उसमें सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, तो सेगमेंटेशन जनरली तो किसमें एब्सेंट होता है, हमने बोला मोलस्का में, लेकिन इसमें सेगमेंटेशन देखने को मिल रहा है, मतलब ये क्या है, एनिलिडा से कुछ रिलेशनशिप शो कर रहा है। तो एनिलिडा से ही कौन डेवलप हुए, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा से ही कौन डेवलप हुए, मोलस्का। तो एनिलिडा और मोलस्का के बीच में कनेक्टिंग लिंक जो है, देखो कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक में डिफरेंस है, कि जो कनेक्टिंग लिंक होते हैं वो आज पाए जाते हैं है ना, कनेक्टिंग लिंक आज पाए जाते हैं, जो मिसिंग लिंक है वो कनेक्टिंग लिंक तो थे लेकिन आज गायब हो गए, वो क्या हो गए, लापता हो गए देखते देखते, मिसिंग लिंक जो होते हैं आज एग्जिस्ट नहीं है, दे आर फॉसिल्स ओनली, बट कनेक्टिंग लिंक आज पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। तो न्यूप्लाइना जो है वो कनेक्टिंग लिंक है किसका किसका किसका, ओके एनिलिडा और मोलस्का का, सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत है, बहुत बाहर से आएगा। तो यहाँ पे हम थे, ये देखो इतनी सारी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यार अपने पास है ना इवोल्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे ऐसे क्वेश्चन इधर उधर आएंगे, क्योंकि गारंटी है लिमिटेड नहीं, जितना एनसीआरटी लिखा उतना से क्वेश्चन पक्का, तीन क्वेश्चन आएंगे उनमें से दो क्वेश्चन एनसीईआरटी, एक क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी। ओके विच द फॉलोइंग इज कॉमन ऑफ एज ऑफ मैमल्स, ये बात की एज ऑफ मैमल्स किसको बोलेंगे, सीनोजोइक एरा को बोलेंगे, एज ऑफ रेप्टाइल्स किसको बोलेंगे, हमने बोला मिस्टर एम आर, एज ऑफ रेप्टाइल्स मीसोजोइक एरा, यहाँ पे क्या पूछा है, एज ऑफ मैमल्स तो सीनोजोइक एरा, एनसीईआरटी ने बात की है साहब इसकी, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी ने बात नहीं की, बात तो की, डायग्राम बना बना के चार्ट में बना दिया है, इन लोग उसको याद करते नहीं, याद नहीं करना अपने को, क्वेश्चन कर लेना याद हो जाता है। अच्छा यहाँ पे बोला यार इसको क्या करना है, वेस्टीर एटाविज्म है यार, प्रेजेंस ऑफ टेल इन अ चाइल्ड इज एग्जांपल ऑफ एटाविज्म, गलती में ना वेस्टीर अगर नहीं होता है, वेस्टीर अगर नहीं होता ये एटाविज्म होता है, बिल्कुल। उसके बाद जुरासिक पीरियड, जुरासिक पीरियड में क्या हुआ, बच्चे बच्चे को पता है डायनासोर बिकम एक्सटिंक्ट हुए क्या, डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गया क्या जुरासिक पीरियड में, नहीं,
एंजियोस्पर्म अपीयर कब हुए थे? डायनासोर फर्स्ट अपीयर इन मीजोजोइक एरा, जुरासिक पीरियड ऑफ मीजोजोइक एरा इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ओके यहाँ पे कैरेक्टराइज बाय बिकम डायनासोर बिकम एक्सटिंक्ट एंड एंजियोस्पर्म अपीयर, गलत है। फ्लावरिंग प्लांट इन द फर्स्ट डायनासोर अपीयर, जिम्नोस्पर्म आर डोमिनेंट एंड फर्स्ट बर्ड अपीयर, ओके। रेडिएशन ऑफ रेप्टाइल्स एंड ओरिजिन ऑफ मैमल्स लाइक रेप्टाइल्स, आंसर हो जाएगा अपने पास, ओके। रेडिएशन ऑफ रेप्टाइल्स एंड ओरिजिन ऑफ मैमल्स लाइक रेप्टाइल्स, रेप्टाइल क्या होगा, रेडिएट हो गए, बड़े बड़े हो गए साहब। मिसिंग लिंक इन इवोल्यूशन, मिसिंग लिंक आज के ऊपर जो कि आज नहीं पाया था, लेकिन ये कनेक्टिंग लिंक है भाई, किसके किसके पहले कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं, लेकिन आज नहीं पाया था उसको हम मिसिंग लिंक बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक ही तो है। मिसिंग लिंक आर कनेक्टिंग लिंक बट दे आर नॉट एग्जिस्टिंग टूडे, ओके। तो हमने बोला मिसिंग लिंक हमने पास क्या है, आर्कियोप्टेरेंस, इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन आर्थ्रोपोडा ना, इट इज द कनेक्टिंग बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मोलस्का, ओके ओके ओके। तो अपने पास सब चीज़ याद दिमाग में, कनेक्टिंग लिंक बात कर लेते हैं यार, वायरस किसका किसका लिविंग और नॉन लिविंग का कनेक्टिंग लिंक है, यूग्लिना जो है, यूग्लिना जो है वो प्लांट्स एनिमल्स का कनेक्टिंग लिंक है, यहाँ पे नियोप्लाना जो है बात हो चुकी है, अभी भी एनिलिडा और मोलस्का का कनेक्टिंग लिंक है, एक पेरिपेटस इंपॉर्टेंट है, पेरिपेटस जो है एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा कनेक्टिंग लिंक है, और अपने पास तो आर्कियोप्टेरेंस की बात हो ही चुकी, ये रेप्टाइल्स और मैमल्स का कनेक्टिंग लिंक है, प्रोटोथीरिया दैट आर द एग लेइंग मैमल्स, एग लेइंग मैमल्स है मतलब ह्यूमन पहले क्या थे, हमने बोला सांस भी कभी बहुत थी, उसी प्रकार एनिमल्स पहले क्या थे, ओके मैमल्स भी पहले रेप्टाइल्स थे, अच्छा, बिल्कुल हमने बोला रेप्टाइल्स हो गए, बिल्कुल सही है, प्रोटोथीरियन हो गए अपने पास, प्रोटोथीरियन हो गए अपने पास, ये हो गए प्रोटोथीरियंस, एग्रेल मैमल्स है, तो यहाँ पे रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक कौन है, प्रोटोथीरियन, ओके बिल्कुल सही, इतना बात करना इसलिए जरूरी है कि अगर क्वेश्चन यहाँ से आएगा मतलब आगे से इतना बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या लग रहा है, तो अगली बार ये नहीं आएगा कि बताओ डायनासोर कब एक्सटिंक्ट हुए, अगली बार ये आएगा कि यो हिप्पस में क्या हुआ था, अनालियस फॉसिल फॉर्म इन द फाइलोजेनी ऑफ द हॉर्स इज यो हिप्पस, यो हिप्पस जो है वो अर्लिएस्ट फॉसिल, सबसे पहले अर्लिएस्ट फॉसिल यो हिप्पस देखने को मिला, अगली बार यही आएगा है ना, हमने को दिमाग में रखना, देखो क्वेश्चन जहाँ से आ रहा है अगली बार वही क्वेश्चन आए गारंटी नहीं है, ऐसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में होता है, बायोलॉजी में होता है कि यार क्वेश्चन आएंगे कहाँ से, उसी तरीके से आएंगे, उसी टॉपिक से आएंगे, लेकिन अलग क्वेश्चन आएंगे, अच्छा आगे पीछे की बात करने जरूरी होती है यहाँ पे। तो अपने पास है ना फॉक्स, देखो यो हिप्पस सबसे प्रिमिटिव वाले हैं, यो हिप्पस जो सबसे प्रिमिटिव वाले हैं, यो हिप्पस आर द मोस्ट प्रिमिटिव वन, यो हिप्पस जो है वो सबसे प्रिमिटिव हॉर्स है, कि भाई प्राणी इंसान सबके बारे में बात की थी, इसलिए क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, यो हिप्पस फिर मिजोचिप्पस, देखो मिजो हिप्पस है ना ये इंपॉर्टेंट है, यो हिप्पस फिर मिजो हिप्पस फिर मैरी चिप्पस फिर प्लियो हिप्पस, कैसे याद रखना है, कैसे याद रखना, याद ध्यान नहीं रखना अपने को, सिंपल सी बात है कि सबसे पहले प्रिमिटिव कौन था याद रखना है, से हमने बोला यो हिप्पस सबसे प्रिमिटिव थे, यो हिप्पस सबसे प्रिमिटिव थे, ओके चूज द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग, कोलेजन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर, नहीं सर मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन जो बायोस्फीयर में होता है वो कौन सा होता है, रूबिस्को, ग्लट फोर एनेबल ग्लूटामिन ट्रांसपोर्ट, नहीं सर जो ग्लट फोर होता है वो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करता है सर, ग्लूकोज का नॉट अ ग्लूटामिन, गलत हो जाएगा सर, ओके। रिसेप्टर प्रोटीन दैट रिसीव स्मेल एंड टेस्ट, बिल्कुल रिसेप्टर ऐसे प्रोटीन होते हैं जो क्या करते हैं टेस्ट को और स्मेल को सेंस करते हैं, बिल्कुल सही है सर, ट्रिप्सिन हार्मोन नहीं है सर, ट्रिप्सिन हार्मोन नहीं है, ट्रिप्सिन तो एंजाइम है, ट्रिप्सिनोजन की एंट्रोकाइनेज हार्मोन है, एंट्रोकाइनेज एक हार्मोन है जिसने जिसने एक्टिवेट कर दिया किसको, ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट कर दिया किसमें, ट्रिप्सिन में, ट्रिप्सिन जाके बाकी सबको क्या करता है एक्टिवेट कर देगा, तो ये गलत हो जाएगा, तो अपने पास सी सही है, रिसेप्टर में बिल्कुल सी है, अभी आप यहाँ पे बढ़े कि अपने पास नोज में, नोज में ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम पहले एनसीआरटी नहीं दिया था, अब नहीं एनसीआरटी में जुड़ चुका था, तो यहाँ पे क्या है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम जो होती है उसमें तीन तरह के सेल पाए जाते हैं, पीछे पहले सप्लीमेंट्री मटेरियल में दिया हुआ था लेकिन अब क्या करते हैं आगे जोड़ दिया है, बिल्कुल तीन तरह के सेल पाए जाते हैं कि इसमें ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम इंपॉर्टेंट है, तीन तरह के सेल पाए जाते हैं ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में, बिल्कुल सही, फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो चूज द वन विद द लोएस्ट क्रिनल कैपेसिटी कंपेयर टू द रेस्ट, लोएस्ट क्रिनल कैपेसिटी किसका, होमोहैबिलिस का कितना होता है 650 to 600 और 600 to 800, 600 to 800 किसका, होमोहैबिलिस का, दे आर फर्स्ट ह्यूमन लाइक बींग, दे आर द फर्स्ट ह्यूमन लाइक बींग दैट इज होमोनिड, इसे तो होमोहैबिलिस बोला, होमोहैबिलिस इसलिए बोला, दे आर द फर्स्ट ह्यूमन लाइक बींग, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज हैंडी मैन मतलब टूल मेकर होते हैं, ये क्या बनाते हैं ये एक ऐसा तो है कि आप ये टूल मेकर चालू कर दिए थे, मतलब ऐसे थोड़ा सा एनसाइड लिखा है कि द डज नॉट ईट मीट, इसे लिखा देखो इससे एक्सप्लेन कर थोड़ा सा कि ये टूल मेकर तो हैं
ये औजार बनाते थे पत्थर के, बिल्कुल हैंडीमैन भी बोलते हैं इनको, ये टूल मेकर थे एंड हैंडीमैन थे। लेकिन उस हैंडीमैन से ये तो ना शिकार तो करते थे, बिल्कुल ये शिकार तो करते थे, लेकिन उसका क्या नहीं करते थे, खाते नहीं थे, है ना। टूल मेकर थे, शिकार तो करते थे, बचाव के लिए शायद यूज करते होंगे वो, है ना, लेकिन वो खाते नहीं थे। दे डज नॉट ईट मीट। मीट को पहली बार खाना चालू किसने किया था? यो मैंने बोला इरेक्टस ने, होमो इरेक्टस ने पहली बार मीट खाना चालू किया था। ऐसा मैंने नहीं बोला, एनसीआर ने बोला, जस्ट यहाँ बोला, जस्ट यहाँ पे बोला, यहाँ पे कोने पे थोड़ा सा नहीं आया, थोड़ा सा तो कोने पे, यहाँ पे बोला, इस लाइन के आगे में बोला है होमो इरेक्टस एट फूड, प्रोबेबली ईट फूड, ओके नहीं प्रोबेबली इट मेट, ओके। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी जे डी, दैट इज क्रुटजैप, ओके। क्रुटजैप नहीं, क्राई जेकॉब डिसीज, है ना, जेकॉब सिंड्रोम बोलते हैं ना, क्रुटजैप जेकॉब सिंड्रोम से क्राई लिख दिया इन्होंने, तो क्रुटजैप जेकॉब सिंड्रोम बोल दिया जाता, क्राई जेकॉब डिसीज बोल देते हैं, ओके। तो यहाँ पे ये ह्यूमन्स में होता है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे ये प्रायंस की वजह से होता है। किसके से प्रायंस, दे आर ओनली प्रोटीनेशियस, दे आर इन्फेक्शियस प्रोटीनेशियस पार्टिकल, ये एबनॉर्मली फोल्डेड क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स है इनके पास, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, प्रोटीन्स, सही है, ओके। और उसके बाद उसके बाद उसके बाद ये हो गया अपने पास आंसर, तो ये नहीं होगा आंसर, तो ये नहीं होगा आंसर, क्या होगा अपने पास, या फिर बोला दूसरा ब्लैक रस्ट, ब्लैक स्टेम रस्ट, स्टेम रस्ट आते ही अपने पास दिमाग में खाना चाहिए, व्हाइट रस्ट तो क्रूसीफर्स में होता है, और रस्ट जो मेनली, तो ब्लैक रस्ट की बात हुई तो यहाँ पे ये रस्ट फंगस होता है पक्सीनिया ग्रैमिनिस, उसमें उस वो कस करती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। और जब अपने पास क्या है, प्रेटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज जो होता है वो किससे होता है, प्रेटो ट्यूबर स्पिंडल डिसीज होता है अपने पास वायरॉइड से, जिसको टियोडाना ने 1971 में डिस्कवर किया, जहाँ फ्री आरएनए देखने को मिलता है, जहाँ पे लो मॉलिकुलर वेट जिसका होता है। यहाँ पे बात प्रायंस की इंपॉर्टेंट है, कि इसी पर से किसको इफेक्ट करते हैं, एनिमल्स को इफेक्ट करते हैं, कैटल्स को, मैंस को, इसी पर से एनिमल्स को इफेक्ट करते हैं। विच द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ऑर्गन रिसीव ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो हार्ट में तो ऑक्सीजनेट के साथ डीऑक्सीजनेटेड भी आ रहा है ना, सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और कोरोनरी आर्टरी मतलब कोरोनरी आर्टरी है वो क्या कर रही है, हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई कर रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो यहाँ पे दोनों ब्लड मिल रहे हैं क्या, बिल्कुल मिल रहे हैं, तो इसमें बोला है रिसीव ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो यहाँ पे दोनों मिल जाएंगे, टेंशन नहीं होगा, ये लंग्स में दोनों मिल जाएंगे, अभी शुरू शुरू में बात से पहला सबसे पहला क्वेश्चन ये आया था ना, बिल्कुल लीवर में दोनों मिल जाएगा, पोटल सिस्टम होता है इसलिए ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, गिल्स में मैंने बोला सर लंग्स मतलब गिल्स जो होता है फिश के अंदर, वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है जो कि ऑक्सीजनेट होकर चला जाता है ना, तो यहाँ पे सबको बोला सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ मिलेगा, तो गिल्स, गिल्स में नहीं मिलेगा, तो सिर्फ और सिर्फ स्प्लीन एक ऐसा ऑर्गन, स्प्लीन छोड़ो ये सब के ऑर्गन से अलावा कोई सा भी बॉडी का पार्ट्स बोल देता तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेगा मिलेगा, भाई ब्रेन में ब्रेन बोलेगा तो सिर्फ और सिर्फ ब्रेन को ऑक्सीजन ब्लड मिलता है, डीऑक्सीजन ब्लड ब्रेन को नहीं मिलता, अगर हमको बोल दिया किडनी तो किडनी छोड़ो, आइस, आइस में क्या मिलेगा, ऑक्सीजन ब्लड मिलेगा खाली, वहाँ पे भी ऑक्सीजन ब्लड जाएगा, थाइमस बोल दिया थाइमस में भी ऑक्सीजन ब्लड जाएगा, थायराइड बोल दिया तो वहाँ भी ऑक्सीजन ब्लड ही आएगा, बाकी और ब्लड मतलब इनको छोड़ के कहीं भी और बोलते हैं तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, तो आंसर सिर्फ और सिर्फ डी हो जाएगा, ओके। उसके बाद बोला विच द फॉलोइंग बेस पेयरिंग रूल इज करेक्ट, एडिनिन विद ग्वानिन एंड थायमिन विद साइटोसिन, एडिनिन किसके साथ, थायमिन के साथ, और किसके साथ, गद बोल रहा है ग्वानिन के साथ नहीं होता, ओके। डीएनए बेस पेयरिंग इज नॉन स्पेसिफिक, क्यों नहीं स्पेसिफिक है सर, क्योंकि हमेशा एडिनिन थायमिन के साथ फेस फेयर करेगा, ओके। एडिनिन विद साइटोसिन एंड ग्वानिन विद थायमिन, एडिनिन विद साइटोसिन एंड ग्वानिन विद थायमिन, गलत है सर, एडिनिन हमेशा थायमिन के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, अच्छा। तो यहाँ पे फाइव डैश इन देखने का बात की इंपॉर्टेंट है, फाइव डैश इन में क्या पाया जाएगा, फॉस्फेट पाया जाएगा, फाइव से पाँच पी से पाँच, फाइव से पाँच पी से पाँच, तो फिफ्थ डैश इन में क्या पाया जाएगा, फॉस्फेट, और थ्री डैश इन में क्या पाया जाएगा, ओएच, इंपॉर्टेंट है, ओके। हमको बोला है विच द फॉलोइंग सेल जंक्शन, विच द फॉलोइंग सेल जंक्शन इज हाईली परमिएबल एंड कज इजी पैसेज ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, तो देखो इजी पैसेज बोलते ही परमिएबल बोला तो हमने बोला तो ये तो सेल गैप होगा, गैप जंक्शन होगा, कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा, गैप देखते ही हमने बोला कम्युनिकेशन देखो, कम्युनिकेशन देखो जो कि क्या कनेक्ट करेगा, प्लाज्मा प्लाज्मा कनेक्ट कर देगा, तो कहना बोला गैप देखा तो कनेक्शन कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा, तो ये अपने पास परमेबल हो जाएगा। और टाइट जंक्शन देखते हैं हम लोग सीमेंटिंग देखेंगे, नहीं टाइट जंक्शन देखते हैं अपने पास दिमाग में रखनी अच्छी जाना चाहिए, टाइट जंक्शन बोलते ही दिमाग में आना चाहिए स्टॉप लीकेज, एड्रेनिन जंक्शन दिमाग में देख, दिमाग में एड्रेनिन जंक्शन बोलते ही अपने पास दिमाग में क्या आना चाहिए, सीमेंटिंग प्रोवाइड करेगा एड्रेनिन जंक्शन, और टाइट जंक्शन स्टॉप लीकेज करेगा, और गैप जंक्शन क्या करेगा, वो क्या करेगा कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा, दैट इज इट, फैसिलिट कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल, और क्या करेगा परमेबल,
गेब 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 हाँ मैनी आरएनए पॉलीमरेज आर प्रेजेंट इन अ बैक्टीरियल सिस्टम, तो अपने पास देखना ये लिखा है आंसर ने, इन यूकैरियोट देयर आर टू एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज, तो मतलब अपने पास यहाँ बोला है देयर आर एटलीस्ट थ्री आरएनए पॉलीमरेज इन द न्यूक्लियस, कम से कम तीन बोला है, मतलब पांच होते हैं मैनी, है ना। तो यहाँ पे क्या है, हमने बोला आरएनए पॉलीमरेज बैक्टीरिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, लेकिन हमने बोला यूकैरियोट्स में तीन होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर प्रोकैरियोट्स में एक ही आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, तीनों काम करता है। भी वहाँ पे क्या होती है अपने पास टीआरएनए, बिल्कुल एक ही आरएनए पॉलीमरेज बैक्टीरिया में सारे काम करता है, और यहाँ पे तीन तीन तरह के टीआरएनए काम देखने को मिलता है, कहाँ पे, बैक्टीरिया में नहीं, यूकैरियोट्स में। देर इज अ क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर, आरएनए पॉलीमरेज वन जो होगा वो आरएनए के लिए ट्रांसक्राइब करेगा, और 28S और 18S और 5.8S आरएनए के लिए, 28S 5.8S और 18S आरएनए के लिए कौन ट्रांसक्राइब करेगा, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। और दूसरा है हमने पास, देखो पहले तो आंसर ऊपर नीचे कर दिया, इसलिए हमने बोला आरएनए आरएनए पॉलीमरेज टू ट्रांसक्राइब फॉर एमआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज टू, देखो हमने बोला टू जो है वो एम हो जाएगा, और थ्री जो है वो टी और एस बाद में आते हैं, टू भी बाद में आता है, टी और एस के लिए क्या करेगा ये सिंथेसाइज करेगा, है ना, अल्फ़ाबेट में टू और थ्री, मतलब अल्फ़ाबेट में एस टी लास्ट में आते हैं, और थ्री और नंबरिंग में भी थ्री लास्ट में आता है, जिससे लास्ट लास्ट के साथ स्टेबल हो जाएगा। अच्छा तो यहाँ पे भी एक अपने पास फाइव बच गया ना, फाइव एस, तो फाइव एस को कौन करेगा, थर्ड जो आरएनए पॉलीमरेज होगा वो करेगा कैटालाइज, और क्या करेगा फॉर्मेशन, क्या 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 बोलता रहता, बिल्कुल एस एन आर एन ए और टी आर एन ए को कौन ट्रांसक्राइब करेगा, हमने बोला आर एन ए पॉलीमरेज थ्री ट्रांसक्राइब करेगा, एच एन आर एन ए को कौन करता है, एच एन आर एन ए को कौन करता है, हमने बोला एम आर एन ए और एच एन आर एन ए कौन करता है, एम और एच बीच में आते हैं, तो हमने पास टू भी बीच में आता है, तो ये अपने पास हो जाएगा किसको ट्रांसक्राइब करता है, एम आर एन ए को और एच एन आर एन ए को, कौन कौन कौन, आर एन ए पॉलीमरेज टू। ओके हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द ऑर्गेनिज्म शोन इन द फिगर बिलो, और शोन इन द फिगर, ओके रिगार्डिंग द ऑर्गेनिज्म शोन इन द फिगर, तो ये क्या का डायग्राम है, ये अपने पास है ना पेट्रोमाइक्सोन का डायग्राम है, लैम्प्रे का डायग्राम है, पेट्रोमाइक्सोन का डायग्राम है जिसको लैम्प्रे भी बोलते हैं, जॉलेस फिश एक साइक्लोस्टोमेटा का मेंबर है, इट बिलोंग टू द क्लास साइक्लोस्टोमेटा, बिल्कुल सही है, यहाँ पे साइक्लोस्टोमेटा से बिलोंग करते रहा है यार, इट हैज़ 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, बिल्कुल इसके पास 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स हैं, और ऑस्टियोकाइसिस के अंदर 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स इंपॉर्टेंट है, देयर बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, देयर बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल, इनमें क्या नहीं होता, इनके बॉडी में स्केल नहीं होता, इसलिए क्या बोल लिया इसको टू फिश नहीं बोला, देयर बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल, देयर बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल, बिल्कुल देखो हमने बोला देयर बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल, इनके पास क्या नहीं है, स्केल्स नहीं है, और द मेल पेल्विक फिन बी ए क्लेस्पर, ना क्लेस्पर तो अपने को कहाँ पे देखने को मिलेगा, ऑस्टियोकाइथिस में, कॉन्ड्रोकाइथिस में, कॉन्ड्रोकाइथिस में अपने पास देखने को मिलेगा क्या, क्लेस्पर, कॉन्ड्रोकाइथिस में अपने पास पेल्विक फिन बी आर क्लेस्पर, जो कॉन्ड्रोकाइथिस के मेंबर्स होते हैं, जो कॉन्ड्रोकाइथिस के मेंबर होते हैं उनके जो पेल्विक फिन होती है वहाँ पे क्लेस्पर देखने को मिलती है, नॉट इन द मेंबर्स ऑफ साइक्लोस्टोमेटा, तो अपने आंसर आपने क्या पूछा, करेक्ट पूछा ना, करेक्ट तीन है अपने पास, करेक्ट क्या है, तीन है। ओके मोर व्हेन अ सॉल्यूट इज मिक्स्ड द वाटर पोटेंशियल ऑफ द सेल विल डिक्रीज, है ना, क्या हो जाएगा भाई, सॉल्यूट ऐड करेंगे तो क्या होगा, अपने पास साइन डब्ल्यू क्या होता जाएगा, नेगेटिव होते जाएगा, सॉल्यूट ऐड करेंगे तो साइन डब्ल्यू क्या होता जाएगा, नेगेटिव होते जाएगा, जब साइन डब्ल्यू नेगेटिव हो जाएगा तो हमने बोला जब साइन डब्ल्यू नेगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा, साइन डब्ल्यू जब नेगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा, डिक्रीज हो गया, मतलब जीरो से पहले पानी डाल दिया, सॉल्यूट डाल दिया तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या हो गया, डिक्रीज हो जाएगा। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग कैटर स्टैंड ट्रू फॉर एंटीडॉन दैट इज सिल्ली, तो यहाँ पे स्पाइनी बॉडी एंड ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमको पूछा है ट्रू, स्पाइनी बॉडी एंड ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया था, यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया था, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया था, यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया था, पहला गलत हो जाएगा। माउथ ऑन द डॉर्सल साइड एंड एनस ऑन द वेंट्रल साइड, ना माउथ होता है अपने पास नीचे की तरफ, दैट इज वेंट्रल साइड में माउथ होता है, दैट इज हमको बोला गया है माउथ कहाँ पे है, वेंट्रल साइड में है, दैट इज इन लोअर साइड, एनस कहाँ पे है, डॉर्सल साइड में, दैट इज इन अपर साइड। ओके तो ये वाला गलत हो जाएगा। एक्सक्लूसिवली मराइन, बिल्कुल ऑल आर मराइन, मतलब दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन एंड दे आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, ये कैसे होंगे, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, ये क्या होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, बिल्कुल तो सही है ये।
आर्सिडो सिलोमेट नहीं होते, ये कम्प्लीटली सिलोमेट होते हैं। ओके दे आर सिमेट्रिकल एंड दे आर कम्प्लीटली सिलोमेट, मतलब सिलो सिलोमेट नहीं बोलेंगे, दे आर ज़्यादा अच्छे से बोले तो हमने बोला इसको कि हिस्से बिलोंग करते हैं, कारण मतलब यू सिलोमेट, दे आर यू सिलोमेट। तो ने बस आंसर सी पर सिर्फ सी हो जाएगा। क्योंकि एंटीडॉन जो है ना वो किससे बिलोंग करता है, सीलिली हमको मिलते हैं। एंटीडॉन किसको बोलते हैं, एंटीडॉन इसको बोलते हैं सीलिली। देखो यहाँ पे एंटीडॉन क्या को बोलेंगे, एंटीडॉन मतलब सीलिली। एक आयरन मेटा एनसेडन डायग्राम बनाया है एस्टेरिस का और वो फ्यूर दैट इज ब्रिटल स्टार एंड स्टार फिश। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स। यस, जो न्यूरोस्पोरा है उसकी यूज उसकी इस्तेमाल किया जाता है, इसको हमने बोलते हैं ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम। न्यूरोस्पोरा इज यूज एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, बिल्कुल सही है। मॉरल्स एंड बफेस, हमको पूछा गया है रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। बिल्कुल, मॉरल्स एंड ट्रफेल्स आर पॉइजनस मशरूम। नहीं नहीं, मॉरल्स और जो ट्रफेल्स होते हैं वो एडेबल मशरूम होते हैं, पॉइजनस और टूडस्टूल होते हैं। ओके okay? जो कि बैसिडोमाइसिटी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर एडिबल फंजाई है मॉरल्स एंड बफेल्स से गलत रहेगा। ईस्ट इज यूनिसेलुलर एंड यूजफुल इकोनॉमिकली इन फर्मेंटेशन, बिल्कुल है, ये बिल्कुल सही है। ईस्ट क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। ईस्ट क्या होते हैं, दे आर यूनिसेलुलर, दैट इज ईस्ट। सैक्रोमाइसिस बोलते हैं, ये अल्कोहल फर्मेंटेशन में काम आते हैं। और पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जो होगा वो किस में काम आएगा, यार ये तो अपने पास एंटीबायोटिक अटेंड करते हैं, पेनिसिलिन से बिल्कुल सही है अपने पास, ये भी सही है अपने पास, बी गलत है, बस बी गलत है अपने पास। यहाँ पे एनसीडी का डायग्राम बना देते हैं, ये वाला अपना म्यूकोर हो गया अपने पास। ये डायग्राम जो है किसका है, म्यूकोर का, किसका है, म्यूकोर का, म्यूकोर दैट इज आर एम राइजोपस एल्ब्यूको एंड म्यूकोर, ये बिलोंग करते हैं फाइकोमाइसिटिस से। और उसके बाद वाला डायग्राम जो है वो किसका है, एस्परजिलस का, एस्परजिलस क्लेवी शेप का मेंबर है, एस्परजिलस के अंदर पाया जाता है यहाँ पे ये डायग्राम। और ये अपने पास क्या है, मशरूम दैट इज एग्रीकस एंड एग्रीकस का डायग्राम किसका है, एग्रीकस का, दैट इज अपने पास ये बैसिडोमाइसिटिस से बिलोंग करता है। ये पाइलस है, ये पाइलस है, ये गिल्स है, ये वेलम है, ये स्टाइप है और ये बेसिडोकार्प है एस्परजिलस का, मतलब सॉरी एग्रीकस का। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट द एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म। द सेल ऑफ, ओके द सेल ऑफ मेडुलरी रे एडजॉइनिंग द इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम बिलोंग मेरिस्टमेटिक एंड फॉर्म इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जो अपने पास मेडुलरी रे थे वो क्या हो गए, मेरिस्टमेटिक हो गया। और इंटर पहले इंटरसेलुलर ऐसे था बस, अपने पहले सिर्फ ऐसे था, यहाँ पे इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम पाया जा रहा था और यहाँ पे एक साइड वाले में बीच में कुछ नहीं पाया जाता था। यहाँ पे ये इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम तो पाया जा रहा है, लेकिन बीच में वैस्कुलर रिंग कैम्बियम को बनाने के लिए, वैस्कुलर कैम्बियम बनाने के लिए क्या हुआ, यहाँ पे बीच में क्या हो गया, जो मेडुलरी रेस थे वो क्या हो गए, डिफ्रेंशिएट हो गए, मेरिस्टमेटिक हो गए, तो जिससे क्या हो गया, पूरा कर पूरा रिंग बन गई वैस्कुलर कैम्बियम, जिसको कैम्बियम रिंग बोलते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम जिसको बोलते हैं। बिल्कुल, तो ये सही हो जाएगा। इन आइसोबायोटिक लीफ द मेसोफिल इज अनडिफ्रेंशिएटेड इनटू पैलिसिड एंड स्पॉन्जी प्लांट, बिल्कुल यहाँ पे अनडिफ्रेंशिएट होता है आइसोबायोटिक लीफ में, बिल्कुल सही है। वैस्कुलर बंडल इन अ डाइकॉट स्टेम आर अरेंज इन स्कैटर्ड मैनर, बिल्कुल सही है। डाइकॉट स्टेम में नहीं होता, गलत है बिल्कुल। डाइकॉट स्टेम में स्कैटर नहीं होते, ये मोनोकॉट स्टेम में स्कैटर होते हैं। मोनोकॉट स्टेम की बात करते हैं, वैस्कुलर बंडल क्या थे, दे आर स्कैटर्ड। ओके, स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल कहाँ पे देखने को मिलेगा, डाइकॉट के अंदर। स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल कहाँ पे देखने को मिलेगा, डाइकॉट के अंदर, गलत। मोनोकॉट स्टेम में देखने को मिलता है स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल। मोनोकॉट स्टेम में क्या देखने को मिलेगा, मोनोकॉट स्टेम में स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल देखने को मिलेंगे, तो ये गलत जाएगा। बुलिफॉर्म सेल आर ऑब्जर्व इन लीव्स ऑफ मोनोकॉट, बिल्कुल, जो कि वाटर को बचाने के लिए वाटर कंजर्वेशन में काम आते हैं। कौन कौन कौन, ओके okay, कौन काम आते हैं अपने पास, मोनोकॉट, मोनोकॉट काम आते हैं भी, मोनोकॉट में भी कौन सा, मोनोकॉट में भी काम आते हैं, बिल्कुल मोनोकॉट लीव में पाया था ये। ओके okay, यहाँ पे क्या अपने पास देखो, वैस्कुलर बंडल क्या दिख रहा है अपने पास, स्केटर दिख रहे हैं, मोनोकॉट स्टेम है ये, मोनोकॉट स्टेम है ये, मोनोकॉट स्टेम है, मोनोकॉट स्टेम में क्या दिख रहे हैं, स्केटर वैस्कुलर बंडल दिख रहे हैं, बिल्कुल।
उसके बाद बोला था पार्सिड एसिड फूड इन द स्टमक फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम एंड एसिड इज कॉल्ड एज चाइल। चाइल बोलते हैं अपने पास, क्या है एनसाइडी ने बोला है, चाइल नहीं बोलते, काइम बोलते हैं, गलत है ना, तो चाइल नहीं होते काइम बोलते हैं, चाइल नहीं बोलते काइम बोलते हैं, चाइल तो बाद में बनेगा। ओके तो काइम क्या होता है अपने पास, जो कि काम क्या होता है, जब अपने पास फूड जो होगा, जब एसिडिक गैस्ट्रिक जूस के साथ, जब फूड जो होगा जो कि एसिडिक गैस्ट्रिक जूस के साथ एंड चर्निंग मूवमेंट पार्टिसिपेट कर लिया, मैंने बोलस जो आया था वो एसिडिक जब हो जाएगा, एसिडिक फूड जब फूड एसिडिक हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, काइम बोल देते हैं। When food get acidic, it is known as chyme. Okay. All of the following are lateral meristem except. तो अपने पास जो फेसिकुलर कैम्बियम हो, इसको हम इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं, जिसको एनसाइडी फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम बोल देती है। तो अपने पास जो फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम दिया है यहाँ पे, फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम और द इंटर फेसिकुलर कैम्बियम और द कॉर कैम्बियम इज एग्जाम्पल ऑफ लेटरल मेरिस्टिम। तो कॉर कैम्बियम मतलब ये फेलोजन हो गया, और फेसिकुलर कैम्बियम, फेसिकुलर कैम्बियम बोला तो यहाँ पे इंटर फेसिकुलर कैम्बियम भी अपने पास लेटरल मेरिस्टिम है। इंटरकलरी मेरिस्टिम तो जेंथ को बढ़ाने काम आती है, दो मतलब एडिशन ये अपने पास इंटरकलरी मेरिस्टिम यहाँ पाई जाती है, जो कि क्या करती है, एलोंगेशन करने में काम आती है, कोई लेटरल ग्रोथ करने में काम नहीं आती, मोनोकॉट्स में पाई जाती है। बिल्कुल यहाँ पे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम ये भी, सॉरी मतलब ये भी अपने पास क्या हो जाएगा, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम ये भी क्या हो जाएगा अपने पास, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम ये भी अपने पास क्या हो जाएगा, लेटरल मेरिस्टिम हो जाएगा। लेकिन जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो हो जाएगा वो भी लेटरल मेरिस्टिम हो जाएगा, लेकिन 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 जो इंटरकैलरी मेरिस्टिम है वो क्या करेगा, लंबाई बढ़ाने में काम आएगा, अपने पास लेटरल मेरिस्टिम नहीं होगा। Which of the following factor help in the study of effect of binding of oxygen with hemoglobin? Partial pressure of CO2 बिल्कुल effect करता है। ओके हमने बोला हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, बिल्कुल राइट शिफ्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ये अफेक्ट किसको कौन कौन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी अफेक्ट कर रहा है, बिल्कुल अफेक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बिल्कुल अफेक्ट कर रहा है, और पार्शियल प्रेशर वो टू बिल्कुल अफेक्ट कर रहा है। यहाँ पे सब अफेक्ट कर रहे हैं किसको, बाइंडिंग को ऑक्सीजन का किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। हाउ मैनी राउंड ऑफ क्रैब्स साइकिल आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 6FADH2 मॉलिक्यूल, 6FADH2 मॉलिक्यूल बनाना है तो अपने पास कितना राउंड चलना चाहिए क्रैब्स साइकिल का। तो भाई बताते हैं एक राउंड में कितना मिलता है, क्या एक राउंड में कितना क्या मिलता है, एक राउंड में एक FADH2 बनता है, एक राउंड में एक FADH2 तो 6 मॉलिक्यूल बनाना, तो 6 राउंड चलाओ यहाँ पे। बिल्कुल द RH पॉजिटिव मेल गेट मैरिड टू RH नेगेटिव फीमेल। RH पॉजिटिव मेल जो होगा वो जब किससे मैरी होगा, ओके RH नेगेटिव फीमेल से ड्यूरिंग देयर सेकेंड प्रेगनेंसी विच द फॉलोइंग इवेंट वुड बी ऑब्जर्व। तो RH इनकम्पेटिबिलिटी डिसीज देखने को मिलेगी, बिल्कुल देखने को मिलेगी, और इथ्रोब्लास्टोसिस फिटलाइज देखने को मिलेगी, बिल्कुल देखने को मिलेगी। कब 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 हमने बोला ये कंडीशन कैसी है, जब RH पॉजिटिव मेल हो और RH नेगेटिव फीमेल हो, तो जो फर्स्ट सेकेंड ट्रायल होगा ना वो RH पॉजिटिव हो गया। अब जब RH पॉजिटिव हो गया तो अपने पास क्या हो सकता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस की कंडीशन हो सकती है अपने पास, जिसमें डेथ हो सकती है फिटस की भी। ओके तो यहाँ पे सीवियर एनीमिया की वजह से और जॉन्डिस की वजह से, अ पेशेंट ब्रॉट टू हॉस्पिटल विद मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज इमीडिएटली गिवन। तो एनसीईआरटी ने बोला है स्ट्रेप्टोकाइनेस के बारे में, ये क्लॉट बस्टर है जो कि किसको दिया जाता है, ऐसा पेशेंट हुआ है अंडरगोन मायोकार्डियल इन्फेक्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक, जिन्होंने जिसका तुरंत मायोकार्डियल इन्फेक्शन आया उसको तुरंत देता है स्ट्रेप्टोकाइनेस, देखते हैं जो स्ट्रेप्टोकोकस अटैक किया, जो कि क्लॉट बस्टर है जो कि रिमूव करेगा क्लॉट्स को। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर ट्रू, ओके टेम्परेचर इज द मोस्ट रिलेवेंट इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल फैक्टर, बिल्कुल सी है, जो टेम्परेचर होता है वो मोस्ट रिलेवेंट इकोलॉजिकल फैक्टर होता है, टेम्परेचर इज द मोस्ट रिलेवेंट इकोलॉजिकल फैक्टर, बिल्कुल सही है। अ फ्यू ऑर्गेनिज्म एंड इन इट रेंज फ्रॉम द सब जीरो लेवल इन द पोलर रीजन और पोलर एरिया एंड हाइट ऑफ, एंड हाई अल्टीट्यूड टू ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस ट्रॉपिकल डेजर्ट इन समर, बिल्कुल सही है, पहला सही है, सब एनसीईआरटी लाइनें हैं। इट रेंजेस फ्रॉम सब जीरो लेवल इन द पोलर रीजन एंड हाई अल्टीट्यूड टू ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस टू ट्रॉपिकल डेजर्ट इन द समर, बिल्कुल सही है। अ फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, दे आर कॉल्ड एज यूरीथर्मल, यस अगर हमारे पास यूरीथर्मल बोलेंगे किसको, जो कि वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में क्या कर पा रहा है, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में जो सर्वाइव कर पा रहा है, क्या बोलेंगे, यूरीथर्मल, बिल्कुल सही है। द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट आर ऑल्सो हैविली डिपेंडेंट ऑन,
वाटर, बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी ने बोला कि अपने पास जो प्रोडक्टिविटी है वाइड वेल, तो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर जो टोलाइट कर सकता है द ऑर्गेनिज्म दैट टोलाइट एंड थ्राइव ऑन वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, अगर जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे क्या कर सके, सर्वाइव कर सके, उसको यूरी थर्मल बोलेंगे। वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में जो सर्वाइव कर सके उसे क्या कहेंगे, यूरी थर्मल। और वाटर की बात करते हैं द फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ओके, हमने बोला द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इज हैवीली डिपेंडेंट ऑन वाटर। द प्रोडक्टिविटी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, वाटर पे क्या क्या चीज़ें डिपेंड करती है, प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है, डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है वाटर पे, बिल्कुल सही है ये। इन एक्वाटिक इकोसिस्टम द सेडिमेंट, ओके, द सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक इज ऑफन, ओके, इन द एक्वाटिक इकोसिस्टम द सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफन डिटरमाइन द टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल दैट कैन थ्राइव देयर, बिल्कुल सही है। सेडिमेंट जो है वो देखो, इन एक्वाटिक इकोसिस्टम द सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफन डिटरमाइन द टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल, जो बेंथिक एनिमल है, बेंथोस जो कि सतह पे, मतलब एकदम लिक्विड सतह पे जो कि है ना फ्लोर पे पाए जाते हैं, ओके, वो उनको कौन डिटरमाइन करेगा एक्वाटिक इकोसिस्टम में, एक्वाटिक इन्वायरमेंट में वो सेडिमेंट क्या क्या सेडिमेंट हुए। सब सही है, टू पूछा है तो सब टू हो जाएगा। फोर, फ्लूड विच इज प्रेजेंट आउट द आउटसाइड द सेल इन द इंटरस्टिशियल स्पेस, ओके, फॉर्म द ड्यू टू, तो इंटरस्टिशियल फ्लूड के बारे में बात कर रही हैं, तो इंटरस्टिशियल फ्लूड कैसे बना, इंटरस्टिशियल फ्लूड कैसे बना, ओके, सम वाटर अलॉन्ग विथ मैनी स्मॉल वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस, सम वाटर अलॉन्ग विथ मैनी वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस, सम वाटर अलॉन्ग विथ मैनी वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस जो थे, कुछ पानी और उसके साथ कुछ पानी में सोल्यूबल वाले सब्सटेंस चले गए स्पेस में, है ना, दूसरे स्पेस में चले गए बिटवीन द सेल एंड लार्ज प्रोटीन, और जो फॉर्म्ड एलिमेंट थे वो बाहर छूट गए ब्लड वेसल से, है ना, तो ब्लड वेसल जब चल रहा था तो कैपिलरीज से कुछ चले गए, है ना, वाटर सोल्यूबल प्रोटीन्स, ओके, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस और वाटर बच गया बाहर में, प्रोटीन्स बच गए, कुछ बाहर में प्रोटीन बच गए, और कौन बच गया, फॉर्म्ड एलिमेंट बच गए, तो जो अंदर बाहर जो स्क्वीज आउट हो गया, मतलब जो लिम्फ जो मतलब इंटरस्टिशियल फ्लूड जो सेल्स के अंदर पहुंच गया उसको क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूड, और कब बनता है, लीकेज ऑफ फ्लूड आउटसाइड द ब्लड वेसल। ओके, यहाँ पे ये है कि देखो सिक्रेशन क्लोराइड प्लेक्सस में जो सिक्रेशन है वो क्या नहीं आता, इंटरस्टिशियल स्पेस में नहीं आता, वो तो क्या है, CSF है, दैट इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड, और गैसियस डिफ्यूजन अक्रॉस द एल्वियोला, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। द पिरामिड ऑफ बायोमास सो शार्प, तो पिरामिड ऑफ बायोमास हायर ट्रॉफिक लेवल में जाते जाते क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ये अपराइट पिरामिड होता है तो ये डिक्रीज होता रहता है। एनसीईआरटी ने बोला है सर देखो, बायोमास डिक्रीज इन, देयर इज बायोमास, देयर इज डिक्रीज इन द बायोमास, अपने को बोला है मोस्ट ऑफ द मोस्ट इकोसिस्टम ऑल द पिरामिड द नंबर ऑफ, ओके, ऑल द पिरामिड ऑफ नंबर और एनर्जी और बायोमास आर अपराइट, मोस्टली जो पिरामिड होते हैं, कुछ ना समझ आए तो क्या कर दो, अपराइट पे टिक कर दो, कि मोस्टली जो पिरामिड होते हैं वो कैसे होते हैं, अपराइट होते हैं। इसमें क्या है, सैटन डायग्राम बनाया, देखो यहाँ पे अपराइट पिरामिड किसका दिख रहा है, पिरामिड ऑफ नंबर ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, ओके, फिर दिख रहा है अपने पिरामिड ऑफ बायोमास ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में अपने पास ये बोल सकते हैं कि हमेशा पिरामिड कैसा होगा, अपराइट होगा, बिल्कुल सही है। तो बायोमास की तो पूछा है, बायोमास की तो पूछा है यहाँ पे, बायोमास का जो पिरामिड है वो क्या होता जा रहा है यहाँ पे, ये पिरामिड कैसा है, अपने पास अपराइट है, तो यहाँ पे क्या होता जा रहा है, ये डिक्रीज होता जा रहा है, मास ऊपर आते थे, बायोमास क्या होता है, डिक्रीज होता जा रहा है। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे आंसर लिखी है लाइन कि जो पिरामिड होता है बायोमास का किसके लिए, सी के लिए, वो कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, सी के लिए जो पिरामिड होता है बायोमास का, ये क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, जैसे कि हमने बोला डायग्राम दिया है, देखो ये सी का पिरामिड दिया है, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास फॉर दैट इज स्टैंडिंग क्रॉप, बायोमास जो होता है वो स्टैंडिंग क्रॉप को रिप्रेजेंट करता है, और ये सी के लिए, सी के लिए बनाया गया है, सी के लिए बनाया गया है, उसमें अपराइट पिरामिड नहीं पाया था, इन्वर्टेड पिरामिड पाया था बायोमास के लिए। प्लांट सक्सेशन इज ग्रेजुअल प्रिडिक्टेबल चेंज इन द स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ एन एरिया स्टार्ट विथ पाइनियर कम्युनिटी विच लीड टू स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी रिजल्ट इन अ म्यूजिक कंडीशन, जो लास्ट में देखो ऑल द सक्सेशन वेदर टेकिंग प्लेस इन वाटर और लैंड प्रोसीड अ सिमिलर क्लाइमेक्स कम्युनिटी दैट इज म्यूजिक, चाहे वो सक्सेशन प्लानी में हो चाहे वो सक्सेशन लैंड में हो, हमेशा एक म्यूजिक क्लाइमेक्स कम्युनिटी को देगा, मतलब म्यूजिक का मतलब है मीडियम वाटर कंडीशन, अपने पास क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनेगी।
आर्टेरियल वॉल ऑफ आवर हार्ट सीक्रेट अ वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड डैश विच डैश बिकॉज इट कॉज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल। तो अपने पास एट्रियल वॉल से क्या निकलेगा, ए एन एफ, दैट इज हमने बोला एट्रियल नेट ड्यूरेटिक फैक्टर जो होता है वो एन एफ निकल, ए एन एफ जो होता है वो कहाँ से निकलता है, आर्ट्रिया की वॉल से। एट्रियल वॉल से क्या निकलेगा, ए एन एफ निकलेगा। ओके, विच डिक्रीज ब्लड प्रेशर, जो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा किसको, ब्लड प्रेशर को, विच डिक्रीजेज द ब्लड प्रेशर, है ना। ओके, ये क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देगा, कैसे 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 कैसे, डायलेशन से। तो यहाँ पे क्या करेगा, डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। अगर किसी आदमी का बीपी बढ़ जाया है, मतलब इस किसी आदमी का बीपी बढ़ गया, तो अपने पास इनबिल्ट मैकेनिज्म है सर बीपी कम करने के लिए, कोई दवाई ववाई लेने की जरूरत नहीं है। बीपी कम करने के लिए अपने पास इनबिल्ट मैकेनिज्म है कि अपने पास जो आर्टरी की जो वॉल है वो एन एफ निकालेगा, वो ब्लड प्रेशर डायलेट कर देगा, प्रेशर को कम कर देगा। तो यहाँ पे एन एफ हो जाएगा, एन एफ विल डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। विच आर द फॉलोइंग स्टेप आर कैटलाइज्ड बाय टैग पॉलीमरेज इन द पी सी आर रिएक्शन। तो पी सी आर इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में अपने पास जो टैग पॉलीमरेज है वो किसको कैटलाइज कर रहा है, इलांगेशन वाली प्रोसेस को, प्राइमर की जब एनिलिंग हो गई, एक बार प्राइमर का एडिशन हो गया उसके बाद उसको कैटलाइज कौन करेगा, टैग पॉलीमरेज, दैट इज डी एन ए पॉलीमरेज है ये। तो ये क्या करता है, एक्सटेंशन करता है प्राइमर का। ओके, उसके बाद बोला है अकॉर्डिंग टू यूरो 4 नॉर्म द क्वांटिटी ऑफ सल्फर इन पेट्रोल एंड डीजल शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट 50 ppm। देखो बात यहाँ पे एनसाइड ने मेंशन नहीं की यूरो 4, लेकिन यहाँ पे चुपके से उन्होंने लिख दिया कि देखो 50 ppm होना चाहिए। ओके, 50 ppm होना चाहिए पेट्रोल एंड डीजल में टू, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या है, यूरो 4 नॉर्म है, लिखा नहीं एनसाइड ने, लेकिन यूरो 4 नॉर्म के हिसाब से हमने पास क्या होना चाहिए, डीजल और पेट्रोल में जो सल्फर कॉन्टेंट होना चाहिए वो 50 mm होना चाहिए, सॉरी 50 mm नहीं 50 ppm होना चाहिए। 50 ppm किसमें, डीजल और पेट्रोल में, किसका सल्फर कंटेंट किसमें, यूरो फोर के हिसाब से। अब उसके पहले बात करते हैं यूरो 3, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। यूरो 3 नाम के हिसाब से अपने पास जो सल्फर कंटेंट होना चाहिए पेट्रोल और डीजल में, पेट्रोल में होना चाहिए अपने पास 150 ppm पेट्रोल में और 350 ppm डीजल में। तो यहाँ पे एक ही चीज़ दोनों देख लेते हैं, एक ही लाइनों से देख लेते हैं, दोनों को लाइनों पे नहीं चलना है। यहाँ पे अपने पास 350 ppm। ओके, तो 350 ppm डीजल में सल्फर का कंटेंट और 150 ppm सल्फर का कंटेंट पेट्रोल में अकॉर्डिंग टू यूरो 3 नॉर्म। यस, ओके, तो यहाँ पे यूरो 4 नॉर्म के हिसाब से अपने पास क्या होगा, सल्फर कंटेंट किसमें, पेट्रोल के अंदर और डीजल के अंदर, दोनों के अंदर, पेट्रोल एज वेल एज डीजल के अंदर अपने पास जो यूरो 4 नॉर्म के हिसाब से जो कंटेंट होगा वो कितना होगा, 50 ppm। द अमाउंट ऑफ यूरिया विच इज एक्सक्रीटेड आउट इन यूरिन पर डे ऑफ अ ह्यूमन एडल्ट, देखो ओके, पर डे ऑफ एन ह्यूमन एडल्ट जो होगा वो 20 ऑन एन एवरेज ह्यूमन एडल्ट 20-30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड। एक ह्यूमन एडल्ट में 20-30 ग्राम यूरिया एक्सक्रीट किया जाता है पर डे, ऑन एन एवरेज 20-30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड पर डे। ओके, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। जिम्नोस्पर्म आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस, नहीं, जिम्नोस्पर्म आर ऑल हेट्रोस्पोरस, जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो सारे हेट्रोस्पोरस होते हैं। तो इंसिडेंट लिखा ही है, गलत जाएगा ये। मार्सिलिया जिनको पाइनस, ऑल आर जिम्नोस्पर्म, नहीं, मार्सिलिया जो होता है फर्न होता है ये टेरिडोफाइटा का मेंबर। द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर नॉट वेल एडेप्टेड टू एक्सट्रीम क्लाइमेट, नहीं, बिल्कुल एडेप्टेड होते हैं, साइकस के अंदर पिनेटली कंपाउंड लीफ पाया जाता है और उनके पास थिक स्टोमेटा होते हैं और निडल लाइक लीफ होते हैं, क्योंकि ये ना क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे वाटर लॉस को, जो जीरोफिटिक एडेप्टेशन शो करते हैं। तो ये कैसे आएगा, द जायंट रेडवुड ट्री दैट इज सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज। यस, द जायंट रेडवुड ट्री सिकोया, द जायंट रेडवुड ट्री सिकोया, यहाँ पे इंसर्टिन लिखा, जो जायंट है वो कौन है, जायंट दैत्य के समान है। द जायंट रेडवुड ट्री दैट इज सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज, ये वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज है। हमारा टॉलेस्ट ट्री जो है दुनिया में, उसका क्या है, सिकोया है, और सबसे टॉलेस्ट भी है, सबसे ज़्यादा साल भी जीता है ये, कितना साल, 2000 साल तक जी सकता है ये, तो सही है जाएगा अपने पास। द इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इज कॉल्ड एज गाउटी आर्थराइटिस, ये गाउटी आर्थराइटिस का एग्जाम्पल बोला है। द इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इज कॉल्ड एज गाउटी आर्थराइटिस,
आर्थराइटिस एक रोग है। आर्थराइटिस मींस किसका, आर्थराइटिस का मतलब है अपने पास क्या होगा, आर्थराइटिस का मतलब अपने पास क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। जॉइंट का मतलब है आर्थराइटिस, आर्थराइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन किसका, जॉइंट्स का। इन्फ्लामेशन किसका, जॉइंट्स का, क्या हो गया, मैंने बोला आर्थराइटिस, जॉइंट्स का इन्फ्लामेशन मतलब मैंने बोला। ओके, ड्यूरिंग अटम, अटम नहीं है ऑटम, ड्यूरिंग ऑटम अ बॉय नोटिस दैट द रोड इज लाइटर्ड, ओके लिटर्ड है, लिटर लिटर मतलब पत्तियां से भरा हुआ है, लिटर विथ ऑरेंज लीव। ही लुक अप टू फाइंड दैट द ट्री इज डिवाइड ऑफ लीव्स वाइल सम ऑफ देम आर स्टिल फॉलिंग, द फाइटो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस कज इज। तो यहाँ पे ये ए बी ए होगा, क्योंकि देखो पत्ते को झड़ाने के लिए है, मतलब मैंने बोला सेनिसेंस बुढ़ापा आ गया उसका, वो क्या कर रहा है, एब्सेशन कर रहा है, पत्ते को झड़ा दे रहा है, बूढ़ा बूढ़े पत्ते को, तो क्या कर रहा है, कौन सा हार्मोन है, ये एब्सिसिक एसिड है, ए बी ए। और ए बी ए जो होता है वो पत्ते को झड़ाता कैसे, हमको बोला देखो यहाँ पे ये नहीं पूछा कि ए बी ए का फंक्शन क्या है, हमको पूछा है द फाइटोक्रोम रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस कर्ज, ये क्या कर्ज करता है, ये देखो, ये देखो यहाँ पे कोई जल्दी मिट्टी लगा सकता है, इनहिबिट सीड जर्मिनेशन प्रमोट डॉर्मेंसी, तो ये बिल्कुल सही है कि ए बी ए का फंक्शन है, हमको ये नहीं पूछा है कि ए बी ए का फंक्शन क्या है, हमको ये पूछा है कि जो पत्तियाँ झड़ क्यों रही है, तो डिस्ट्रक्शन हो रहा है क्लोरोफिल का, जो क्या करता है अपने पास जो ए बी ए होता है क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय कर देता है, क्लोरोफिल को जब डिस्ट्रॉय कर दिया, क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो गया तो ग्रीन से येल्लो हो गया, येल्लो ही होगा इसीलिए तो गिर जाएगा, ये सेनेसेंस के रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन कौन कौन, ए बी ए। ओके आंसर हो जाएगा ए बी ए, यहाँ पे स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं इसको, स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, और ये क्या करेगा, एब्सेशन में रिस्पॉन्सिबल होगा, ये किसमें, रेगुलेटिंग एब्सेशन। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच जॉइंट ऑफ द बॉडी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बिल्कुल हमने बोला फीमर एंड पेल्विक गर्डल के बीच में क्या पाया जाएगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाएगा। ओके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पाया जाएगा, फीमर एंड बिल्कुल 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 ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल, बिल्कुल सही है, ह्यूमरस पेक्टोरल गर्डल एंड फीमर एंड पेल्विक गर्डल, बिल्कुल सही है। हिंज जॉइंट एल्बो जॉइंट, यस बिल्कुल, हिंज जॉइंट जो होंगे वो क्या होंगे, एल्बो जॉइंट हो जाएंगे, नी जॉइंट हो जाएंगे, हिंज जॉइंट किसका एग्जांपल है, मतलब एल्बो जॉइंट, हिंज जॉइंट, ओके अपने पास नी जॉइंट भी है, हिंज जॉइंट ही होता है। पाइवट जॉइंट, एटलस और एक्सिस के बीच जॉइंट जो कैसा है, पाइवट जॉइंट है, एटलस और एक्सिस के बीच जॉइंट कैसा है, पाइवट जॉइंट है, बिल्कुल सही है। ग्लाइडिंग जॉइंट, देखो ग्लाइडिंग जॉइंट होता है बिटवीन कार्पल्स, तो यहाँ पे बोला है बिटवीन कार्पल एंड मेटा कार्पल ऑफ थम, नहीं वहाँ पे तो कौन सा जॉइंट पाया था, सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट पाया था बिटवीन कार्पल एंड मेटा कार्पल ऑफ थम के बीच में, तो यह गलत हो जाएगा। द प्लांट विच हैव द फ्लोरल डायग्राम पोसेस पैपिलोनेसिस कोरोला, यस इट पोसेस पैपिलोनेसिस कोरोला, बिल्कुल द प्लांट विच है, बिल्कुल यहाँ पे ये पैपिलोनेसिस कोरोला पोसेस करता है या नहीं करता, देखो ये सोलेनेसी का है, बिल्कुल सोलेनेसी का है, ये बिल्कुल सोलेनेसी का है, और सोलेनेसी में हमने पास ये देखा, सोलेनेसी में अपने पास देखने को मिलेगा ये पेपिलोनेसिस कोरोला नहीं होगा, सोलेन प्लासेंटा, देखो एनसीडी ने बोला है कि अपने पास सोलेन प्लासेंटा देखने, सोलेनेसी का डायग्राम है, बिल्कुल सोलेनेसी का मेंबर ये यहाँ पे देखने को मिलेगा, सोलेनेसी ये डायग्राम एनसीडी ने जो बनाया है किसका है, सोलेनम नाइग्राम, मकोई मकोई जो हो गया, सोलेनम नाइग्राम हो गया, मकोई 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 सोलेनम नाइग्राम। इसके बारे में एनसीडी लिखती है कि यहाँ पे कौन सा प्लासेंटा पाया था गाइनोसियम के बारे में, दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्लिगेटली प्लेस होता है, और यहाँ पे प्लासेंटा क्या होता है, सोलेन, प्लासेंटा क्या होता है, सोलेन होता है, बिल्कुल सही है। एपिपेटलस कंडीशन क्या है, एपिपेटलस कंडीशन ये है कि जो अपने पास जो एड्रोसियम होगा वो अपने पास किसके साथ, पेटल्स के साथ क्या होगा, फ्यूज होगा, पेटल्स के साथ क्या हो जाएगा, फ्यूज होगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एपिफिलस ये यहाँ पे नहीं पाया था, एपिफिलस कंडीशन कहाँ पाया है, एपिफिलस कंडीशन कहाँ पाया है, ये एपिफिलस कंडीशन कहाँ 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 पाया है, एपिफिलस कंडीशन देखने को मिलेगा लिलिएसी के अंदर, एपिफिलस कंडीशन कंधे देखने को मिलेगा, एपिफिलस कंडीशन कहाँ पर, सॉरी एपिफिलस कंडीशन कहाँ पे देखने को मिलेगा, एपिफिलस कंडीशन कहाँ पे देखने को मिलेगा, हमने बोला टेपल्स के अंदर, लिलिएसी के अंदर, लिलिएसी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, एपिफिलस कंडीशन देखने को मिलेगा, लिलिएसी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, एपिफिलस कंडीशन देखने को मिलेगा, लिलिएसी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, एपिफिलस कंडीशन, लिलिएसी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, एपिफिलस कंडीशन, लिलिएसी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, एपिफिलस कंडीशन, लिली एसिन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, एपिफिलस कंडीशन देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, बी एन सी अपने पास आंसर हो जाएगा। विच द फॉलोइंग ग्लैंड विल अंडरगो एट्रोफी ड्यूरिंग पिट्यूटरी, मैं पिट्यूटरी नहीं बोला प्यूबर्टी है ना, विच द फॉलोइंग, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल 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 बिल्कुल